हेलो ई सो स्टूडेंट आज वन शॉर्ट सीरीज में हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेव ऑप्टिक्स जय मीन्स जय एडवांस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है ये चैप्टर कंप्लीट करना और सारे टॉपिक्स को पढ़ना हम क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं हाइगन्स प्रिंसिपल से या फिर हाइगन्स थ्योरी से कि उसने किस तरीके से वेव फ्रंट को डिस्क्राइब किया बिकॉज हम यहाँ वेव नेचर पढ़ने वाले हैं तो uh, हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लोग सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे स की दो वे अगर आपस में सुपर इंपोजिशन कर रही है तो क्या रिजल्टेंट इंटर इंटेंसिटी आएगी क्या एम्पलीट्यूड आएगा फेस डिफरेंस पार्ट डिफरेंस इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और एक फाइनल फॉर्मुला हम उसमें लर्न करेंगे या फिर उसको समझेंगे और उसको याद रखेंगे टू गेट द फाइनल आंसर क्योंकि ये जे मीन में बहुत ही बार पूछा गया नक्स्ट थिंग इज जब हम इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ लेंगे वाई डी एस का मतलब एक्सपेरिमेंट तो हम वाईडीएससी पे चलेंगे हम डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट यहाँ पढ़ेंगे उसमें इंटरफेरेंस पढ़ेंगे सोर्सेस से कहां मैक्सिमा बनता है कितना मिनिमा बनता है कहां बनता है लोकेशन के बारे में सीखेंगे फ्रिंज वृद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम ग्लास लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे मतलब जितने भी केसेस हो सकते हैं वाईडीएससी में जितनी वेराइटीज बन सकती हैं वो सारी वेरायटीज आज इस एक सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो भी हम टॉपिक पढ़ने हैं साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगर हम वाई डी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग डायफ्रेक्शन की तरफ जाएंगे डायफ्रेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल इंटरफेरेंस ऐसा ही कुछ कुछ होता है बट डायफ्रेक्शन थोड़ा सा अलग है वहां सिंगल स्लिट डाइफ्रेक्शन पैटर्न आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो डायफ्रेक्शन पैटर्न से भी आप लोगों को स्लिट वर्थ कर रिलेशन इंटेंसिटी से और साथ में आप लोगों को कहा मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा इनकी इंटेंसिटी कितनी है उनकी वर्थ कितनी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा देन विल मूव टू अदर टॉपिक्स अब हम यहाँ डॉपलर्स इफेक्ट की बात करेंगे लाइट में डॉपलर्स इफेक्ट कैसा होता है कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे देन वी विल लर्न अबाउट पोलराइजेशन की कितने टाइप के पोलराइजेशन होते हैं और कैसे कैसे पोलराइज होती है एक लाइट और पोलराइजेशन का मतलब ही क्या होता है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे पोलराइजेशन कर सकते हैं किसी भी लाइट का वो डिस्कस करेंगे और मैलस लो पढ़ने वाले हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आज के इस सेशन में होने वाला है सो so, ये जो सेशन है ये कम्प्लीटली पाक्ट सेशन है अब ये थोड़ी देर में स्टार्ट होगा और फिर आप लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं सो so, ये पूरा सेशन देखना जरूरी है अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स तो उनके लिए भी ये टॉपिक जरूरी है अगर वो जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं इन वन शॉट तो आप ये जो भी हमारी ये वीडियो है वन शॉट वीडियो इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए अगेन बेनिफिशियल है क्योंकि वो जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं क्विक रिविजन दे विल गेट ठीक है सो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज का ये सेशन बट मैं आपको बता देता हूं ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा बहुत थ्योरी डिटेल में नहीं रखेंगे हम मेन्स को टारगेट कर रहे हैं एडवांस को टारगेट कर रहे हैं सो वी डोंट डू मैनी डेरिवेशन हम डायरेक्टली रिजल्ट अप्रोच करेंगे उनकी एप्लीकेशन पे करेंगे अगर कोई डेरिवेशन होगा भी तो आपको रिटर्न फॉर्म में यहां मिल जाएगी लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस सेशन राइट नाउ और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल और जैसे ही आपका ये सेशन हो जाता है साथ के साथ आपको आ, Uh, एक क्विज भी अटेंड करने को मिलता है एक टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करने को मिलता है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आप जाके उस टेस्ट को भी दे सकते हैं तो so, जैसी सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप उस टेस्ट को देंगे आपको समझ में आएगा आपको कितनी चीजें आपकी क्लियर है कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए एंड वेरी मच यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल तो आप कमेंट सेक्शन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड आज द क्वेश्चन एज वेल और यू कैन डू ग्रुप डिस्कशन इन द कॉमेंट सेक्शन ठीक है सो आफ्टर द सेशन और लाइव सेशन दोनों में आप कमेंट्स करके डिस्कशन कर सकते हैं बट डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है ये मेरी तरफ से और आकाश जूस की तरफ से आपको प्रॉमिस है so let's just start this video now. स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विद हाइगन्स प्रिंसिपल सो इससे अगर मैं जई मीन में, में बात करूं थ्योरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है या फिर कभी कभी वेफ फ्रंट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो देखा जाए क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से भी रहते हैं और इंपॉर्टेंट uh, टॉपिक है तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं हम लोग थ्योरिटिकल पार्ट में वो चीजें कवर करेंगी जो थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है एंड आई एक्सप्लेन यू क्या क्वेश्चन बन सकता है सो लिसन टू दिस प्रिंसिपल वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स so यहाँ हम वेव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हाइगंस ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को समझा देता हूँ वेव फ्रंट क्या चीज होती है हाइगन्स प्रिंसिपल में आप देख सकते हो यहाँ आप लोगों को एक सरफेस ऑफ वाटर नजर आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे और अगर आप इस सरफेस वाटर पे देखो हमने यहां कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जिसकी वजह से यू कैन सी सम रिपल्स क्रिएट्स है ना कुछ रिपल क्रिएट हो चुके हैं नाउ स्टूडेंट्स मैंने यहां कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आप देख सकते हो जहां वाटर की हाइट मैक्सिमम हो रही है वहां मैंने कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं कुछ ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं अगर आप इन सब ऑब्जेक्ट्स को मिला दो यू विल सी सम सर्कुलर पैटर्न कैन यू क्लियरली सी द सर्कुलर पैटर्न क्या आपको नजर आ रहा है ओके इन सभी चीजों में सिमिलैरिटी है जहां जहां मैंने ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं यहां स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स रखे हैं छोटे 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 आपको ये छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं जहां मैंने ये रखी है हर जगह एक सिमिलैरिटी है कि हर जगह वाटर की हाइट बहुत ज्यादा है इसका मतलब दे ऑल आर इन सेम फेस सो इसी को हाइगन से अपने प्रिंसिपल में बोला था वेव फ्रंट तो दीज आर सर्कुलर वेव फ्रंट और अगर डेफिनेशन की बात करें वी कैन डिफाइन वेव फ्रंट एज इट इज अ पाथ या फिर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज सभी के सभी सेम फेज में इसलिए इसको हम वेव फ्रंट कह सकते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेव फ्रंट आप इसको वेव फ्रंट डिफाइन करते हैं नाउ सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन अब अगर हम किसी वेव की बात करें लाइट इज अ वेव वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है वंस वी कंस्ट्रक्ट वेफ फ्रंट अगर हमने पहले वेफ फ्रंट अपना डिफाइन कर दिया एंड देन वी आर लुकिंग फॉर द डायरेक्शन डिफाइन किया एंड देन वी आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेव तो डायरेक्शन ऑफ वेव मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ आर रे रे और वेव की डायरेक्शन मतलब बात एक ही है कहने का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ आर लाइट विच इज द डायरेक्शन ऑफ रे जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते थे दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वे फ्रंट कहने का मतलब है यहां जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया लेटेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो यहां आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल करेगी हर डायरेक्शन में क्या करेगी आपकी वेव ट्रैवल करेगी और अगर आप वेव फ्रंट को देखोगे तो वेव फ्रंट हर जगह इसके परपेंडिकुलर होगा जो हमने यहां सर्कुलर वेव फ्रंट बनाया है ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पे ड्रॉप किया है तो सर्कल के सेंटर से जो रेस डा, डाली जाएंगी वो उसकी जो आपकी बाउंड्री है उसकी हमेशा पेंडिकुलर होने वाली है सो so डेफिनेटली ये हम लोगों को याद रखना है कि कहीं भी वेव फ्रंट है अगर आपसे रे की डायरेक्शन पूछे वेव की डायरेक्शन पूछे इट शुड बी परपेंडिकुलर और वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं मान लो अगर आप लोगों को पहले रेस दे दी जाए वो वेव फ्रंट ढूंढने के लिए बोले अभी तो हमारे पास वेब फ्रंट था मैंने रेस डाल दी परपेंडिकुलर उल्टा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है हमारे पास कुछ रेज हो और अगर हमसे बोले फ्रंट फ्रंट पहचानो तो शुड बी अ प्लेन दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिश रेस सो so, कहने का मतलब है जैसे कि अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो यहाँ हाइगन प्रिंसिपल में मैंने क्या किया है कि यहां सोर्स लिया दिस इज अ पॉइंट सोर्स और इसका वेव फ्रंट आप देख सकते हो इस पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट हर डायरेक्शन में ऐसे फैलेगा डायमेंशन में देखोगे तो आपको सर्कुलर लगेगा बट एक पॉइंट सोर्स फॉर एक्जाम्पल एक एलईडी लाइट है छोटी सी लाइट है हर डायरेक्शन में लाइट दे रही है इसका मतलब वो एक फेरिकल वेव फ्रंट दे रही है नॉट टू डायमेंशनल इट्स सट थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो हर डायरेक्शन में फैलेगी और इसका जो वेव वेव फ्रंट फ्रंट होगा दैट विल बी बट उसने यहां भी बोला है कि अगर हम बहुत दूर चले जाए तो स्वेयर का रेडियस बढ़ता जाएगा का रेडियस जैसे 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 जैसे, जैसे बढ़ता जाएगा इट बिकम्स फ्लैट और इसका मतलब है यहां जो रेडियस है दैट टू इन्फिनिटी कहने का मतलब है अगर हम बहुत दूर चले जाएं, अगर हम पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चले जाए तो आपको स्फेरिकल नहीं फेयर ओपन होने लग जाएगा और आपको लगेगा यहाँ कुछ प्लेन वेव फ्रंट है सो so, इसका मतलब है स्फेरिकल वेव फ्रंट देता है पॉइंट सोर्स और प्लेन वेव फ्रंट भी एक पॉइंट सोर्स दे सकता है बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो आपको पता है कोई भी सोर्स हो उससे जो रेज आती है वो पैरल हो जाती है अपने आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो जो आपका वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी पारल वेव फ्रंट सो so, यहां मैंने कुछ वेफ शो किए हैं जैसे कि पॉइंट सोर्स का स्पेरिकल वेफ नजर आ रहा है यहां आप लोगों को एक लाइन सोर्स नजर आएगा यू कैन सी हेयर एक आपको यहां लाइन सोर्स नजर आ रहा है लाइन सोर्स की अगर हम वेव की बात करें तो कुछ कुछ सिलेंड्रिकल वेव है कैन यू सी दिस तो आप देख सकते हो दिस इज सिलेंड्रिकल और अगर आपकी पैरल रेज है डेफिनेटली अगर आपकी पैरल रेज है तो आपका वेव कैसा होगा प्लेन और कोई भी सोर्स हो चाहे वो लाइन सोर्स हो चाहे वो पॉइंट सोर्स हो या किसी भी शेप का हो अगर हम इंफिनिटी पर चले जाएंगे तो डेफिनेटली रेस होंगी और आपका होगा ये आप, याद रख सकते अगर आप कोई पार्टिकल पिक कर लो लेटर से आप रे के साथ मूव कर रहे हो और अगर आप एक वेफ्रंट से दूसरे वेफ्रंट पे परुलरली जा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ रे तो एक वे से दूसरे वेफ्रंट पे मतलब एक मैक्सिमा से जहां आप कह सकते हो हर जगह फेस सेम है दूसरे मैक्सिमा पे जाने के लिए फिर दूसरे से तीसरे जाने पर जो टाइम लगेगा दैट विल बी सेम ठीक है सो क्योंकि यहां स्पीड ऑफ लाइट जो है किसी भी मीडियम में वो फिक्स है इसलिए ये हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन टू वे फ्रंट इज फिक्स तो जो टाइम भी लगेगा वो सेम लगेगा क्योंकि टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड सो नेक्स्ट थिंग इज अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर मेरे पास कोई प्राइमरी सोर्स है ये हाइगन्स प्रिंसिपल था ना दिस इज हाइगंस प्रिंसिपल और ये क्यों जरूरी है हाइगन्स प्रिंसिपल समझना इसलिए जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को कभी थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाता है वो तीन चार ऑप्शन बना देता है आप लोगों के लिए और पूछ लेता है हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में तो हमें पता तो होना चाहिए वो हो है क्या तो अगर आपको प्रिंसिपल पता हो सकता है आप स्टेटमेंट पढ़ के ये आंसर समझ लो तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल बोला कि आप पहले एक प्राइमरी सोर्स कंसीडर करो और प्राइमरी सोर्स से आपने एक वेव फ्रंट यहां कंसीडर किया ये इसका प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया एक तरीके से है ना तो ये आपने वेव फ्रंट किया इस वेव फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं अब वेव फ्रंट पे बहुत सारे पार्टिकल आप एज्यूम कर सकते हो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, बहुत सारे आप कंसीडर कर सकते हो मैंने कुछ ब्लू कलर के पॉइंट बनाए सेकेंडरी सोर्स मतलब ये भी एक सोर्स की तरह काम करेंगे तो एवरी पॉइंट फ्रंट एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स वेव सोर्स एंड जनरेट सेकेंडरी वेवलेट तो इससे दोबारा से वेव फ्रंट बनेगा जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं ठीक है अब अगर आप दोबारा से देखो ये दोबारा कभी ना कभी मैक्सिमाइज होगा तो आप देख सकते हो जब ये दोबारा से मैक्सिमम आ जाए यहां दोबारा से इसके एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो या फिर आप कह सकते हो कॉमन टेंजेंट डाल दो इन वेव फ्रंट्स पे देन डेफिनेटली जो आपको नया वेव फ्रंट मिलेगा दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट तो प्राइमरी सोर्स पे वेवलेट्स ले लो और वहां से आप इसको सोर्स ले लो बट इस सोर्स से सिर्फ मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं कर रहा हूं बैकवर्ड में नहीं और यहां से क्या करूं दोबारा दोबारा से से एक एक कॉमन इन वेवलेट्स पे जब वो सेम फेज अटेन कर ले तो आप देख सकते हो यहां इसने इसको मैंने ये पॉइंट सोर्स कंसिडर किया है और इससे एक वेव फ्रंट कंसिडर की है ये वेवलेट्स ट्रेवल कर रही हैं और दोबारा से जहां मैक्सिमाइज हुई सभी पे मैंने दोबारा से कॉमन टेंजेंट डाल दी वो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है इधर भी टेंजेंट है इधर भी टेंजेंट है ठीक है आप चाहो तो और भी बना सकते हो यहां से भी दोबारा ड्रॉ कर सकते हो एक ही बात है आप जितने मर्जी यहां सोर्स ले लो तो आप सोर्स की काउंटिंग नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट सोर्स हो जाएंगे बट कहने का मतलब है सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए हमें दोबारा से एक कॉमन टेंजेंट डालना होगा ये हाइगन्स प्रिंसिपल था ये हम लोगों को याद रख लेना चाहिए एक बार ठीक है डायरेक्शन ऑफ वेव हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था अगर हमें वेव फ्रंट की डायरेक्शन पता है तो हम वेव की डायरेक्शन भी बता सकते हैं अगर हम वेव फ्रंट की डायरेक्शन जानते हैं तो वेव की डायरेक्शन निकालना मुश्किल नहीं है ओके, okay? so, अगर हम लोगों को पता है, ऐसे है तो वेव की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रे दैट शुड बी परपेंडिकुलर हम लोगों ने पहले भी देखा था और हम लोगों को इतना याद रखना है जो वेव फ्रंट है जो आप देख रहे थे सेकेंडरी जो आपका सोर्स बन रहा था वहां से हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं है मतलब जो भी यहां से वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल नहीं बनेगा जो प्राइमरी सोर्स है उसका वेव फ्रंट फेरिकल है बट सेकेंडरी सोर्स का वेव फ्रंट फेरिकल नहीं बन रहा है यहां से जो वेवलाइट आ रहे हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब बैक साइड जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी जीरो होगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन राइट ओके इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है अगर वेव फ्रंट से आते हैं एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया बाय द नॉलेज ऑफ आइग प्रिंसिपल वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है बट अगर मैं बात करूं और क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको वेव फ्रंट की शेप्स वगैरह बनाने के लिए आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां मैंने इंसिडेंट रे डाली है मैं इसको दोबारा दिखा देता हूं हेयर वी हैव इंसिडेंट रे एंड वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस सो डेफिनेटली इंसिडेंट रे पैरल है तो जो इसका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा प्लेन वेव फ्रंट बट उसके बाद ये रेज क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पे एंड दैट पॉइंट इज फोकस सो अगर आप यहां वेव फ्रंट बनाओगे तो इट विल बी अ स्फेरिकल तो आप देख सकते हो यहां जो वेव फ्रंट बन रहा है दैट इज स्फेरिकल और इंसिडेंट वेव फ्रंट था हमारा प्लेन वेव फ्रंट तो यहां आप लोगों को लिखना पड़ेगा जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट दे रही है उसी तरीके से आप यहां कॉन्केव लेंस के लिए कर सकते हो कॉन्केव लेंस में भी आप क्या कर सकते हो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो इंसिडेंट रे को दिखाओ लेंस को दिखाओ इंसिडेंट वेव फ्रंट को बनाओ और उसके बाद आप रिफ्रैक्टेड लाइट को दिखा सकते हो रिफ्रैक्टेड लाइट के हिसाब से आप वेवफ्रंट बना सकते हो तो ये वेवफ्रंट है तो याद रखना अगर इस तरीके से हमारी रेस जा रही है तो वेवफ्रंट कुछ ऐसा बनेगा और अगर हमारी रेस कुछ इस तरीके से है अगर हमारी रेस कुछ इस तरीके से है तो वेवफ्रंट की शेप कुछ ऐसे होगी ठीक है ना तो जो भी आपका वेवफ्रंट बना रहे हो स्फेरिकल उसका सेंटर जरूर देख लेना उसका सेंटर का लाइक कर रहा है राइट सो so डेफिनेटली यहां से हम इसका वेव फ्रंट बना सकते हैं कौन मिरर के, के लिए भी सेम प्रोसेस वी कैन डू इंसिडेंट रेस हमारी अगर देखिए तो पैरल है आपको पता है ये एक पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगी एंड दैट पॉइंट विल बी द फोकस सो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा जल्दी से बताओ दैट विल बी पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आएंगी वो कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पे बेटा अगर कन्वर्ज कर रही है तो आपको समझ में आ रहा है अगर कोई रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है इस तरीके से तो डेफिनेटली आप अगर इनके पैरेलल कोई प्लेन चूज करोगे तो स्फेरिकल प्लेन ही हो सकता है तो इसका जो वेव फ्रंट आएगा दैट विल बी द स्फेरिकल वन ओके ट से रिलेटेड उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड राय का वेव फ्रेंट वगैरह पूछ सकता है तो आप लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का मतलब होता है यहां कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइट हम लेते हो कुछ विजिबल है कुछ विजिबल नहीं है कहने का मतलब है यहां आप रेडियो वेव्स माइक्रोवेवस इंफ्रा रेड अल्ट्रा एक्सरे गामा हर तरीके के रेडिएशन को कंसिडर कर रहे हो फ्रॉम रेडियो टू गामा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन होता है गामा फिर एक्सरे फिर अल्ट्रावायलेट फिर विजिबल फिर इंफ्रारेड फिर माइक्रोवेव देन रेडियो तो विजिबल के जो राइट right साइड है अगर आप यहां विबग ध्यान से देख रहे हो आप इसको उल्टा लिख लो है ना आप यहां से लिख सकते हो वी आई बी जी वाई ओ आर विबग्योर तो वॉयलेट के राइट right साइड में आपका अल्ट्रा वॉयलेट देन एक्सरे फिर गामा और रेड के लेफ्ट साइड में आपका इंफ्रारेड माइक्रोवेव और रेडियो तो आप लेफ्ट से जब राइट right जाने की कोशिश कर रहे हो जब भी आप लेफ्ट से राइट right जाओगे तो आपकी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आप याद रखो अगर आप वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट जा रहे हो वॉयलेट से भी ज्यादा आपको क्या मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी और एनर्जी भी मिलेगी तो राइट right साइड जाने पे आपकी एनर्जी बढ़ेगी एक तरीके से रेडिएशन की एनर्जेटिक रेडिएशन हो जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करेगी और आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी बट अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो वाइसा वर्सा लेफ्ट साइड में आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी यहाँ डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाया गया है लेफ्ट साइड में आपकी वेवलेंथ क्या करेगी इंक्रीज करेगी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी ओके सो विजिबल रीजन में आप लोगों को पता है लाइट में ये सेवन कलर्स होते हैं डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हब और फ्रीक्वेंसी होती है डेफिनेटली ये एक बैंड है ठीक है ना ये सेवन डिफरेंट कलर्स नहीं कह सकते आप बैंड है बैंड ऑफ कलर्स है क्योंकि रेड में भी डिफरेंट शेड्स हैं येलो की भी डिफरेंट शेड्स हैं सो डेफिनेटली अब हम लोगों के माइंड में ये जाएगा कि अब हम लोग यहां रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे वी आर स्टडिंग हेयर वॉट वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स नॉट रे बट क्या डिफरेंस है दोनों में रे और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है देखो यहां ऊपर मैंने कुछ डायग्राम बनाया अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो डायग्राम नंबर वन तो ये जो तो पहला फिगर है आपने क्या किया यहां एक सोर्स देखा सोर्स नजर आ रहा है नजर आ रहा है ना इस सोर्स के सामने आपने एक कार्डबोर्ड रखा लेटेस इसको कार्डबोर्ड ए कह देता हूं और फिर इसको बोल देता हूं कार्डबोर्ड बी और इसको बोल देता हूं कार्डबोर्ड सी तो कार्डबोर्ड ए पे आपने एक होल किया ये नजर आ रहा होगा आपको कार्डबोर्ड ए पे आपने एक होल किया यहां से रेज जाएंगी इस तरीके से है ना बट आपको पता है रेज यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या एब्जॉर्ब हो जाएंगी सिर्फ इतनी रेज है जो अंदर से जा सकती है तो आपको यहां कहीं इल्यूमिनेशन मिलेगा यहां पर लाइट मिलेगी और ये कार्डबोर्ड पे होगी क्योंकि ये वाला जो होल है वो नीचे की तरफ है ये वाला जो सेकंड होल है सेकंड पे जो होल है वो नीचे की तरफ है तो लाइट सिर्फ आपको यहां मिलेगी रेडिएशन जाएंगी यहां तक मीट करेंगी और कहीं रेडिएशन नहीं आएंगी मतलब ये लाइट इस होल तक नहीं पहुंच सकती है ना आप रे ऑप्टिक्स के हिसाब से देखो तो ये लाइट इस होल तक नहीं पहुंच सकती और उसके बाद यहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ये सब रे ऑप्टिक्स के हिसाब से हो रहा है कि बी तक आएगी लाइट और बी पे भी होल तक नहीं जाएगी होल के ऊपर ही लाइट टच हो जाएगी और बस वहीं रिफ्लेक्शन हो जाएगा या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये रे ऑप्टिक्स की कहानी है और रेऑप्टिक्स में आप लोगों को इसी तरीके से मिलेगा क्योंकि आप रेओप्टिक्स में रेक्टीलिनियर मोशन लेते हो आप रेऑप्टिक्स में कोई भी सोर्स बनाते हो आप कहते हो उससे रेज निकल रही है और वो एक स्ट्रेट लाइन में निकलेंगी बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स आप देख सकते हो मैंने दोबारा से सोर्स लिया है अब मैंने यहां से रेस नहीं ली मैं यहां से क्या कंसीडर कर रहा हूं इसकी वेव्स तो यहां एक पॉइंट सोर्स क्रिएट हो जाएगा आप देख सकते हो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट अगर मैं यहां से इसके वेव फ्रंट लाइक दिस मैं इस तरीके से वेव फ्रंट बनाने लगू तो एक वेव फ्रंट

वेव ऑप्टिक्स की तरह देखते हो तो आप कहोगे सर ये वेव है तो डेफिनेटली इस वाले होल से मतलब ए कार्डबोर्ड से बी कार्डबोर्ड तक उसके होल तक आपकी क्या हो जाएगी वेव तो पहुंच जाएगी रे तो नहीं पहुंच सकती वेव पहुंच जाएगी और यहां नया पॉइंट सोर्स कंसीडर किया जाएगा प्रिंसिपल से और वो अपना नया वेवलेट जनरेट करेगा वेव फ्रंट जनरेट करेगा और वो वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तो आपको पीछे भी अगर आप यहां खड़े हो तो आप तक लाइट इजिली पहुंच जाएगी बट कंफ्यूजन अभी भी वही है कि सर ऐसा कब हो सकता है कब हम रे ऑप्टिक लेंगे कब वेव ऑप्टिक लेंगे लाइट है क्या लाइट रे ऑप्टिक्स को फॉलो करेगी इलेक्ट्रिया को या वेव तो मैं आपको कहूंगा ये दोनों को करती है है ना तो आप इसको रे ऑप्टिक्स से भी समझ सकते हो वेव से भी बट कब एप्लीकेबल है रे और कब एप्लीकेबल है वेव ऑप्टिक्स ये कैसे पता चलेगा सो so अगर आप ध्यान से देखो यहां कुछ जो आप होल कंसिडर करते हो तो उसकी कुछ डायमेंशन होगी उसका कुछ डायमीटर होगा कुछ उसका रेडियस होगा अगर उसका डायमीटर या रेडियस जो भी है अगर इसका डायमीटर और रेडियस अगर ये वेवलेंथ के आसपास है वेवलेंथ जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो उससे बड़ा उससे छोटा है या उसके आसपास है तो आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स मिलेगी कहने का मतलब है पहले वाले केस में जो डायमेंशन है होल की वो बहुत बड़ी है किससे लेमडा से जो होल है वो बहुत बड़ा है और जो आपकी वेव है वो बहुत कम है अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली आपको यहां वेव ऑप्टिक्स नहीं मिलेगा यहां सिर्फ रे ऑप्टिक्स मिलेगा बट नीचे वाले केस में जो आपका थिकनेस है आपकी होल की वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगी थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा अप्रोक्सिमेटली सेम होंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं वहां आपका क्या एप्लीकेबल हो सकता है वेव ऑप्टिक्स तो आप देख सकते हो अगर आपकी होल की डायमेंशन बहुत बड़ी है तो आपकी रे ऑप्टिक्स अगर होल की डायमेंशन लेमडा ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास है तो लाइक अ वेव तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है ठीक है Now we will do sub अब हम waves पे कुछ जनरल डिस्कशन करने वाले हैं कि वेव्स में और क्या क्या हम लोग जानते हैं देखो वेव्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे uh, दो फोर्सेस हैं बट फोर्सेस कैसी क्वांटिटी है वैक्टर वेब्स में भी ऐसा ही कुछ है फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी आप डायरेक्शन देख के उनको एड करते हो बिना डायरेक्शन देख आप एड नहीं करते वेव्स में भी कुछ ऐसा ही है वेवस का मतलब डिस्टर्बेंस एक तरीके से वेव इज समथिंग लाइक डिस्टर्बेंस क्योंकि हम इसको एक ट्रेवलिंग वेव ले रहे हैं तो मान लो आपके पास एक पॉइंट है और यहां से कोई वेव ट्रैवल करके इस पॉइंट पे आ रही है ऐसी इसी पॉइंट पे दूसरी वेव ट्रैवल करके आ रही है तो दोनों वेव इस पॉइंट को कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करेंगी तो यहां सुपर पोजिशन कहता है जब दोनों वेव साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पे आके टकराएंगी तो दोनों की डिस्टर्बेंस एड हो जाएगी ठीक है ना अगर पहली डिस्टर्बेंस आपकी ऊपर की तरफ है दूसरी डिस्टर्बेंस भी ऐसी है तो टोटल डिस्टर्बेंस एड होके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगी बट एक डिस्टर्बेंस आपकी ऐसी है और दूसरी डिस्टर्बेंस आपकी उल्टी है मतलब कहने का मतलब है एक उस पॉइंट को ऊपर ले जाना चाहता है एक उस पॉइंट को नीचे ले जाना चाहता है तो ऐसे केस में आपकी जो डिस्टर्बेंस हो जाएंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी लेट मी शो यू दैट विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन एज वेल बट अभी के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है सिंपली दो चीजों का सुपर इम्पोजिशन का मतलब है उनको एड करना तो उसने ये बोला है इफ यू हैव वन if you have two or more than sorry not one if you have two or more than two waves और वो simultaneously एक point पे act कर रही हैं तो वहाँ का जो displacement होगा उस point का that will be the vector sum of all the displacement vector sum इसलिए कह रहे हैं क्योंकि wave upward direction में भी displace दे सकती है और downward direction में displacement करती है तो आपको देखना पड़ेगा ठीक है so yes with the animation also we can prove this thing तो हम animation की help से भी prove कर सकते हैं और animation के बिना भी देख सकते हैं मैं कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ से wave दिखाऊँ आपको एक wave ये है सो so, मैं आपको डायग्राम से भी दिखा सकता हूं और एक वेव ये है तो ये दोनों एड होके आप लोगों का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगी यहां से जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा अगर एक वेव ऐसे एक वेव ऐसे तो आपके एम्पलीट्यूड को ये क्या कर देगी आपके एम्पलीट्यूड को ये कर देगी डिक्रीज ये एम्पलीट्यूड को कर देगी डिक्रीज ओके सो so, जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसको हम लिखेंगे कैसे हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम देख लेते हैं एक बार तो उसने बोला जैसे वाई वन हमारी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है वाइट टू ट्रावलिंग वेव की इक्वेशन है वी हैव एंड टू क्लियरली आप देख सकते हो दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है सेम है और सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स को आप बोलते हो कोहरेंट है ना फ्रीक्वेंसी अगर उनकी सेम है तो आप ऐसे सोर्सेस को बोलते हो कोहरेंट सोर्सेज और कोरेंट सोर्सेज आपको सस्टेन्ड पैटर्न देते हैं याद रखना कोरेंट सोर्सेस कैसा पैटर्न देते हैं आपको हमेशा सस्टेन्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न आप लोगों को देते हैं इसलिए हम कोहरेंट सोर्सेस को यूज करते हैं ठीक है सो so, यहां अगर दो वेव्स हैं पहले वेव की इक्वेशन ये दूसरे की ये दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये पहले वाले का फेज है इसको हम फाइव वन कह सकते हैं सेकंड वाले का अगर मैं फेज देखूं तो ये इसका फेज है टू है दोनों में फेज डिफरेंस है फाइव का तो अगर आप ध्यान से देखोगे अगर मैं इन दोनों को एड करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट आएगा वाई वन प्लस टू। आप डायरेक्टली यहां से फॉर्मुला लिख सकते हो वी डोंट नीड टू डिराइव एनीथिंग मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जो मेरी रिजल्टेंट वेव होगी जो मेरी नेट वेव होगी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूँ ए और जो रिजल्टेंट आपकी फेज आएगा दैट विल बी

नीचे वाली जिसका फेस कम है उसको एक्सप्रेस किया और यहां उसका एम्पलीट्यूड लिख दिया एवन तो ये कौन सी वेव के लिए लिखा गया है? ये वाई वन के लिए लिखा गया जो था A1 sin omega t kx. फिर दूसरी वेव जो एवन साइनसू एम्पलीट्यूड वाली है है इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस दैट इज नथिंग बट फाइव इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बोलो फाइव तो एवन और ए टू एम्पलीट्यूड के बीच में फेज डिफरेंस है फाइव इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा जैसे वैक्टर सम आता है तो आपको एवन और ए का एक तरीके से सम करना है और वैक्टर सम में भी आप पता है अगर दो आ, आपके वैक्टर्स है उनको एड करते हो तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मुला आता है रूट ऑफ एवन तो अगर आप टेन एल्फा निकालोगे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव सो तो यहां से आप लोग इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आई थिंक इजीली हो जाएगा बिल्कुल वेक्टर सम की तरह तो आई थिंक एक दो क्वेश्चंस करने से ज्यादा इजी हो जाएगा आपकी नेट वेव की इक्वेशन ये हो जाएगी ठीक है So, यहां आप लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि आप देख सकते हो दो वेव में अगर आप कंपेयर करोगे जीरो फेस डिफरेंस आपको कंस्ट्रक्टिव दे सकती है या फिर एक वेव को टू पाई डिफरेंस से आप आगे या पीछे करो या फोर पाई डिस्टेंस से आगे पीछे करो क्योंकि टू पाए में एक कंप्लीट वेव समा जाती है, है ना तो वही चीज है आप देख सकते हो अगर फेस डिफरेंस सेम है तो आप फाइव को क्या डाल सकते हो आप फाइव को जीरो डाल सकते हो यू कैन से कि आपका फेस डिफरेंस जीरो है या फिर आप टू पाई ले लो या फोर पाई ले लो सिक्स पाई ले लो एंड सो so, आप, आप देखोगे यहां इनका एम्पलीट्यूड एड हो जाएगा अगर पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए वन है दूसरे का ए टू है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू आ जाएगा आप फॉर्मले में भी देख सकते हो डाल के देख सकते हो कॉस फाइव को आप डाल दोगे तो यहां से ए नेट आ जाएगा क्लियरली आप देख सकते हो यहां से जो ए नेट आएगा दैट विल बी ए वन प्लस ए टू ये आ जाएगा आपका मतलब A1 प्लस ए टू का तो ए तो नेट कितना, कितना आ जाएगा उसके इसमें टू है तो वही आपको इस डायग्राम में दिखाया गया आपको दोनों इंसिडेंट रेस दिखाई गई है कि कौन कौन सी वेव्स हैं आपकी नॉट इट इज क्लियरली इंडिकेटेड यहाँ कि आप देख सकते दोनों का फेस सेम है नॉट फेस बट दोनों का सेम uh, है और दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है बट जब वो दोनों एड होंगी तो नई रिजल्टेंट वेव कैसी क्रिएट होगी आप देख सकते हो यहां ठीक है सो so, uh, अगर आप ध्यान से देख रहे हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो जाता है इसी के साथ एक चीज और जैसे आप फेस डिफरेंस निकाल सकते हो वैसे ही आप पार्थ डिफरेंस भी निकाल सकते हो पार्थ डिफरेंस और फेस डिफरेंस कैसे अलग है अगर मैं दो वेव को कंसिडर करूं एक वेव ये है इसमें अगर आप ध्यान से देखो इसको आप फेस की टर्म में बोलते हो टू पाए और अगर आप पाथ की टर्म में बोलोगे तो ये एक लैमडा होता है कंप्लीटली तो आप यहां से लिख सकते हो फेस डिफरेंस मतलब डिवाइडेड बाई टू पाई सेम एज फेज पार्ट डिफरेंस पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा एक्स डिड बाई तो अगर आपको फेज डिफरेंस पता है यहाँ फाइव डिफरेंस है डेल्टा एक्स मेरा पार्ट डिफरेंस है अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो पार्ट डिफरेंस निकल सकता है वही आप यहां से निकाल सकते हो फेज डिफरेंस इफ यू नो यू कैन कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस एन लेमडा और अगर आप फेस डिफरेंस की बात करो टू एन पाई होगा आप डाल के देख सकते हो उसी फॉर्मले से आ जाएगा ठीक है और डिस्ट्रक्टिव मतलब में इसकी वैल्यूज आ सकती है एंड ऑन सेवन पाई नंबर ऑफ पाई इसलिए टू एन प्लस वन पाई लिखा है एन की वैल्यू जीरो से या फिर से भी स्टार्ट हो सकती है इट विल बी इन इंटीजर एन की वैल्यू इंटीजर होगी ओके सो so, यहां से आप लोगों का जो पार्ट डिफरेंस आएगा पता है आप लोगों को कैसे निकालना है फाइ डिवाइडेड बाई टू पाई और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा तो डेल्टा एक्स सिंपली क्या आ जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई जो भी आपका फाइ था फाइव आपको पता है टू एन प्लस वन पाया था इसमें डाल दो तो यहां से आ जाएगा ये लेमडा बाई टू टू एन प्लस वन यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा कि अगर आपके दोनों वेव्स जो इंटरफेयर कर रही हैं जो आपस में ऐड हो रही है जिनका सुपरपोजिशन हो रहा है इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा जीरो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे सर क्वेश्चन से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी तो आप एक बार क्वेश्चन बताओ अब आपके सामने मैंने यहां क्या कहा है कि दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है आप देख सकते हो यहां दो वेव्स हैं इनमें से आप देख सकते हो एक वेव का फेस कम है दूसरे का ज्यादा तो कम फेज वाली कौन सी है आप बोलोगे सर इसका फेज कम है ये फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं ठीक है कहने का मतलब है अब आप क्लियरली यहां देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट यहां से आ जाएगा 120 ट्वेंटी माइनस थर्टी इट विल बी नाइनटी डिग्रीज ठीक है तो आप बोलोगे सर इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो जिसका फेस कम है उसको नीचे रखो फेस कितना है इसका बोलो ये ओमेगा टी प्लस थर्टी डिग्री था और इसका जो एम्पलीट्यूड था वो फोर था और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज नाइनटी डिग्री ज्यादा है इसका मतलब है ये हो जाएगा थ्री और इनका जो रिजल्टेंट आएगा आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर क्योंकि वैसे फॉर्मूला होता है वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाइव बट यहां से जो आपका फाइव है वो नाइनटी डिग्री है तो यहां से ये क्लियरली कितना आ जाएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्त तो आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से भी लग सकता है जैसे वेक्टर में भी लगाते हो आप वैसे भी देख सकते हो तो ट्राइंगल की तीसरी साइड यह हाईपॉटनी एक तरीके से सो so आप क्या कहोगे कि सर ये डेफिनेटली कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी फाइव तो यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका फाइव नॉट टॉकिंग अबाउट एल्फा अब आप यहां से एल्फा भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो और एल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे भाई अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे यहां से नजर आ रहा है यहाँ से टेन अल्फा कितना होगा आप देख सकते हो थ्री बाई फोर अपॉन बेस तो यहां से आ जाएगा 3 by 4. तो अल्फा आ जाएगा आपके सामने थर्टी सेवन डिग्री ठीक है अल्फा आ गया आपका डिग्री तो जो फाइनल आपका होगा बच्चा वाई नेट उसको हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड विच इज नथिंग बट फाइव फिर लिखेंगे साइन फिर लिखेंगे ओमेगा टी प्लस थर्टी डिग्री है ना और यहां से ये एंगल अल्फा होता था तो प्लस थर्टी सेवन डिग्रीज भी करना पड़ेगा तो यहां से इक्वेशन बनेगी फाइव साइन ओमेगा प्लस सिक्सटी सेवन डिग्री ये मेरी वाई नेट की इक्वेशन बनेगी यहां से आप देख सकते हो ठीक है तो दिस इज एज सिंपल एज इट लुक्स सो बहुत आराम से इसमें कर सकते हो बस आपको ये देखना पड़ेगा फेस किसका कम है फेस किसका ज्यादा है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो सो so, मैंने यहां पूरा सॉल्यूशन भी दिखाया यू कैन सी मैंने यहां फेस कंपेयर किया था और मैंने पूरी कैलकुलेशन यहां करके दिखाई है ठीक है so, सो इसका मतलब है इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना द नेक्स्ट थिंग इज जब हमें एम्पलीट्यूड एड्स अप्रैक्ट करना आ गया उसी तरीके से अब हम लोग क्या कर सकते हैं हम इंटरफेरेंस के टाइम इंटेंसिटी का भी डिस्कशन कर सकते हैं ना फिर टॉक अबाउट द इंटेंसिटी तो आप देख सकते हो इंटेंसिटी इज समथिंग दैट डिपेंड अपॉन एनर्जी और एनर्जी इज समथिंग दैट डिपेंड अपॉन स्क्वायर तो स्क्वायर ऑफ दी आपका जो पार्टिकल है उसकी स्क्वायर पे जैसे स्प्रिंग में होता है आप लिखते हो ना हाफ के एक स्क्वायर एनर्जी तो उसी तरीके से आप यहां भी कह सकते हो ठीक है ये भी कुछ डिस्टर्बेंस टाइप ही है तो आप बोलोगे यहां इंटेंसिटी कुछ प्रोपोर्शनल हो जाएगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के सो so, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो कुछ फैक्टर आएगा बट डोंट नीड टू राइट दिस फैक्टर आप इसको के लिख सकते हो कॉन्सेंट लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो आई प्रपोशनल टू ए स्क्वायर आइजिकल टू के ए स्क्वायर ये चलेगा अब आपने एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट देखा था बिल्कुल वेक्टर की तरह आता था ये एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट आता था आप इस पूरी इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई करोगे तो के ए स्क्वायर क्या जाएगा के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स के ए वन ए टू तो मैं इसको लिख सकती हूं टू टाइम्स रूट के ए वन और रूट के ए टू और यहां से आ जाएगा कॉस फाइव अब आप देख सकते हो के ए स्क्वायर को आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख सकते हो के ए वन स्क्वायर को आप आई वन लिख सकते हो मतलब जो दो सोर्स हैं पहले वाले सोर्स की अगर मैं यहाँ दो सोर्स कंसिडर कर रहा हूं पहले वाले सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ए वन है पर जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितनी होगी आई वन दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड ए टू है और जो इंटेंसिटी है वो होगी आई टू तो आप यहां से देखोगे फॉर्मुला बनेगा आई वन प्लस रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव अगर आई वन और आई टू सेम हो जाए तो सोचो अगर आई वन और आई टू सेम हो जाए तो क्या आ जाएगा आई वन इजिकल टू आई टू इजिक्वल्स टू आई फिर आप यहां से क्या लिख सकते हो आईनेट को लिख सकते हो टू आई प्लस टू टाइम्स रूट ऑफ आई रूट ऑफ आई तो टू आई कॉस फाइव और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे टू आई आप कॉमन ले लोगे हो तो यहां से आई नेट आ जाएगा फोर आई स्क्वायर फाइव बाई टू ठीक है अब आप खुद सोचो यहां से यहां फाइव क्या दोनों जो आपकी वेव्स है जो आपस में इंटरफेयर कर रही है उसका फेस डिफरेंस है अगर आपको फेस डिफरेंस मिल जाए तो आप ये निकाल सकते हो कि अगर आपको पार्ट डिफरेंस गिवन है या फेस डिफरेंस गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो कि जो रिजल्टेंट आपकी इंटेंसिटी होगी वो कितनी होने वाली है आई वन आई टू आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी है और आई आप यहां से निकाल सकते हो ठीक है सो क्लियरली इंटरफेरेंस के लिए आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस् फाइव वन होता है आप जानते हो फाइव की वैल्यू दोबारा से रिपीट करें तो टू एन पाई होती है ठीक है और अगर आप डेल्टा एक्स की बात करोगे तो वो कितना होता था हमारा एन लेमडा तो आप देख सकते हो यहां से आई नेट कितना आ जाएगा अगर आप यहाँ नेट निकालने की कोशिश करोगे वो मेरा आई मैक्स हो जाएगा आई नेट विल बी आई मैक्स और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू इट विल बी आई वन रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर क्योंकि कोस को वन डाल दिया और दोनों आई को सेम डाल दूंगा तो ये फोर आई आ जाएगा ये आप इस फॉर्मुले से भी देख सकते हो अभी आपने फॉर्मुला देखा था फोर आई कोस स्क्वायर फाइव आई टू अगर आप यहाँ फाइव की वैल्यू डाल देते हो कितनी कोस फाइव की वैल्यू अगर आप चूज कर रहे हो वन तो 5 2 की वैल्यू अगर आप यहां चूज कर लोगे यहां से उसकी वैल्यू वन आ जाएगी तो आई की वैल्यू आ जाएगी फोर आई सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस मैंने यहां नीचे लिख दिया है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर टाइम्स आती है याद रखना देखो एम्पलीट्यूड अगर आप एड कर रहे थे तो आप ए वन प्लस ए टू मिल रहा था आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड इफ यू आर लुकिंग एट तो मिनिमम एम्पलीट्यूड था जीरो है ना नॉट जीरो बट इट विल बी ए वन माइनस ए टू डिपेंडिंग अपॉन ए वन और ए टू की वैल्यू क्या है अगर सेम है तो आपको पता है ए मैक्स आपको टू ए मिलता था है ना अगर ए वन और ए टू भी सेम है तो आपको ए मैक्स कितना मिलता था आपको मिलता था ये टू ए और ये कितना मिल जाता था आपको जीरो बट इंटेंसिटी के साथ देखो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों वेव्स की इंटेंसिटी दे रखी है आई वन और ए टू बट जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो फोर आए ठीक है ना और अगर आप ध्यान से देखो जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी ठीक है पर ये कब हो जाएगी जब आपके पास क्या है बोलो I1 और I2 टू सेम अदरवाइज तो आपको पता है यहां से फॉर्मुला अलग आएगा अदरवाइज तो आपको फॉर्मुला से नजर आ रहा है ये जो फॉर्मुला आएगा दैट विल बी रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए और रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ठीक है सो दिस इज अ जनरल डिस्कशन अबाउट द इंटरफेरेंस और हमने यहां इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कस किया बट नाउ वी नाउकस अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है आपको पता है वेव अपोजिट सेंस में एक दूसरे से करती है एक का एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा नेगेटिव में जा रहा होगा तो यहां से आपको उस की वैल्यू वन डाल सकते हो और आई मिनिमम की वैल्यू आप निकाल लोगे आई मिनिमम यहां आ जाएगा आपका जीरो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया और कंडीशन मैंने यहां बता दी है ठीक है so सो ये हमारा आई मैक्स और आई मिन के लिए फॉर्मुला आ जाएगा देन वी हैव टू नोट इस फॉर्मुला को हम बहुत ध्यान से देख सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस डॉपलस इफेक्ट देखो यहाँ डॉपलस इफेक्ट लाइट में है और डॉपलर इफेक्ट जैसे साउंड में होता है कुछ कुछ वैसा भी लाइट में होता है बट थोड़ा सा फॉर्मुला चेंज है आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ ऐसा है कि हमारे पास एक सोर्स है वो सोर्स लाइट का होगा और एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है उस लाइट को अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दो नहीं मूव कर रहे तो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी और एक्चुअल वेवलेंथ लाइट ही आपको ऑब्जर्व होगी बट अगर आप देख सकते हो पहले केस में आपका जो ऑब्जर्वर है वो किसी सोर्स को देख रहा है फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन है इसको देख रहा है और इससे कुछ लाइट निकल रही है है ना सो so अगर ये सोर्स आपकी तरफ मूव कर रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी आपको इंक्रीज नजर आएगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो आपको डिक्रीज नजर आएगी इसका मतलब है जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं यहां मैं ऑब्जर्वर को रेस्ट ले रहा हूं सोर्स को मूविंग रख रहा हूं तो इस केस में आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन सेकंड केस अगर सोर्स ऑफ लाइट जो भी आपका है वो आपसे दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है उस केस में आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी करेगी डिक्रीज तो इसका मतलब है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो भी आप लोगों को नजर आता है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट अब डॉपलर इफेक्ट में जो क्वेश्चन आता है फ्रॉम लाइट वो आप लोगों को आता है फ्रॉम रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट देखो रेड का मतलब है वेवलेंथ का अटेन होना और ब्लू का मतलब है आप फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हो इसको मैं कैसे समझा सकता हूं क्योंकि रेड uh, जो होता है वो रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है और ब्लू और वायलेट साइड जो शिफ्ट होता है उसकी अगर हम बात करें वहां फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है तो अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट आपकी तरफ आ रहा है इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब है वो ब्लू शिफ्ट कर रहा है मतलब जब फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो आपका ब्लू शिफ्ट होगा बट अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट आपसे दूर जा रहा है आपसे अवे जा रहा है उस केस में क्या होगा उस केस में आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो आप रेड शिफ्ट की तरफ जाओगे सो so एक फॉर्मुला है जिसको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं नो नीड टू डिराइव दिस फॉर्मुला दिस इज सिंपली डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा एफ का मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई द इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाय लेमडा तो माइनस लेमडा का मतलब है चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाई लेमडा नेगेटिव साइन इसलिए है यहाँ क्योंकि अगर डेल्टा एफ पॉजिटिव है तो डेल्टा लेमडा पॉजिटिव है तो डेल्टा नेगेटिव होगा सिर्फ इसी के लिए है और फॉर्मुला होता है v डिवाइडेड बाय c एक नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि डेल्टा एफ वाई एफ को मैंने अभी यहाँ पॉजिटिव में रखा है उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं सपोज आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है तो उस केस में आपका जो डेल्टा एफ होगा दैट विल बी पॉजिटिव तो उस केस में अपना डेल्टा लेमडा आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर वो आपकी तरफ आ रहा है और फिर जो वी रेडियल है वो उसकी स्पीड है रेडियल डायरेक्शन में आपसे अवे जा रही है या टूवर्स आ रही है तो यहाँ नेगेटिव वी रेडियल लिखा है तो आप समझ रहे हो यहाँ से अगर आपके वी रेडियल के हम यहाँ साइन कन्वेंशन ले लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी रेडियल को पॉजिटिव लिखेंगे जब सोर्स आपसे अवे जाएगा और नेगेटिव लेंगे जब वो आपकी तरफ आएगा ठीक है ना वी रेडियल क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर नोट डैट दीज फॉर्मुलस आर एप्लीकेबल ओनली वन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज फार लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कहने का मतलब है जो यहाँ सोर्स है यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो जो है लाइट uh, की स्पीड से कम है तब ये फॉर्मला एप्लीकेबल है सो यूजिंग दिस फॉर्मुला यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे सो यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव साइन एज वेल उससे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बट डेल्टा लेमडा अगर आप निकाल लोगे डेल्टा एफ निकाल लोगे तो आपसे पूछ सकते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या इंक्रीज वेव क्या होगी वो आप लोगों को इस फॉर्मुले से कैलकुलेट करनी होगी तो सिंपल फॉर्मुला रेडियल lambda lambda lambda, और अगर आप इसको यह लिखना चाहो तो माइनस डेल्टा एफ बाई एफ लिख सकते हो बट अगर आप डेल्टा एफ बाई एफ कामडा माइनस वी रेडियल बाई सी और साइन कन्वेंशन भूलना नहीं है व, अगर मैं ये अपना फॉर्मुला लिख रहा हूं माइनस वी रेडियल बाई सी वाला तो वी रेडियल पॉजिटिव होगा जब ऑब्जेक्ट अवेज आएगा और नेगेटिव होगा जब टू वर्ड्स आएगा सो so, आफ्टर डोपलस इफेक्ट देखो डोपल इफेक्ट से क्वेश्चन तो आ सकता है बट इतने ज्यादा चांसेस नहीं है uh, अगर हम बात करें वाई डी एस सी दिस इज अस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां यंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी बात कर रहा हूं आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द फॉर्मुलस आईम नॉट डराइविंग एनीथिंग यहां मैंने दो स्लिट्स कंसिडर की है एस वन और एस्ट टू स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने ले रखा है डी और सोर्स से जो लाइट आ रही है वो पैरल आ रही है इसका मतलब जो रेज आ रही है वो पैरल आ रही है जो इनकमिंग वेव फ्रंट है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट

small वाई स्मॉल वाई इंटू डी डी आप देख सकते हो जो स्क्रीन है वहां से जहां डिस्टेंस हम पी का ले रहे हैं वो हमारा वाई है मतलब बिल्कुल सामने वाला ओके okay, बिल्कुल सामने वाला पॉइंट उससे ऊपर जो वाई डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं नीचे ऊपर जो डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं y जहां मैं इस, ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या होने वाला है मैक्सिमम बनने वाला है मिनिमा तो जो डेल्टा एक्स है, तो है आप क्या कर सकते हो फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू पाई यहां से आपको फाइव का फॉर्मुला पता है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स तो यू कैन कैलकुलेट डिफरेंस एज वेल अब आप लोगों को सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन यहां बिल्कुल लगानी है आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है

Uh, यहां से नॉट पाई पाए थ्री पाई बाय टू सॉरी हम ले सकते हैं पाए थ्री पाए सो ऑन मतलब डेल्टा फाइव को हम डिस्ट्रक्टिव के लिए लिख सकते हैं पाए थ्री पाए फाइव पाए इंटीग्रल तो यहां से आप देख सकते हो यहां डेल्टा एक्स टू माइनस एन टू एन माइनस वन इंटू लेमडा बाई टू होगा इसको सब्सिट्यूट करोगे तो पोजीशन आपको मिल जाएगी डार्क फ्रिंजेस की तो आपको पता है सेंटर पर जो बनती है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है क्योंकि कोई पार्ट डिफरेंस एस वन और एस टू पे नहीं आएगा और इनिशियल भी कोई पार्ट डिफरेंस था नहीं तो यहां से जो सेंट्रल ब्राइट बनेगी वो बिल्कुल सामने बनेगी फिर वी विल हैव द पैटर्न फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट के लिए हमें डालना पड़ेगा फर्स्ट ब्राइट लिए एन वन सेकेंड ब्राइट के लिए टू और अगर मैं डालूंगा डालूंगा और डालूंगा, तो भी ब्राइट मिलेगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी हम ऊपर देख रहे हैं तो पॉजिटिव नीचे देखेंगे तो नेगेटिव तो सेंट्रल ब्राइट से जितना डिस्टेंस ऊपर वाली फर्स्ट ब्राइट का होगा उतना ही नीचे वाली का भी होगा ओके okay? सो so ये फॉर्मूला हो गया हमारा फॉर द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस नाउ फ्रिंज विथ डायरेक्ट बीटा इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डी डोंट कंफ्यूज कैपिटल ऊपर आएगा स्मॉल डी नीचे आएगा दो ब्राइट और दो डार्क फ्रिंजिस के बीच का ये डिस्टेंस होता है सेपरेशन होता है एंगुलर पोजीशन अगर आपको निकालने के लिए दे दे तो आप कैपिटल डी से सिंपली डिवाइड कर दोगे जो भी लोकेशन है किसी भी पॉइंट की अगर आपको लोकेशन मिल गई है उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दो जैसे कि हमने देखा था कि हम लोगों को लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी एंड लेल कैपिटल डी दिस इज पोजीशन ऑफ पॉइंट पी तो अगर आप इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दोगे तो सिंपली आप लोगों को मिल जाएगा एग्लोवेट ये कुछ कुछ ऐसा ये थीटा आर आर्क अपॉन रेडियस कुछ कुछ उस तरीके से और स्मॉल एंगल्स के लिए हम ये कर रहे हैं फॉर डार्क फ्रेंच वी कैन अगेन हैव दट दस सेम फॉर्मला हम कैपिटल डी से बस डिवाइड कर रहे हैं सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगुलर आपको निकालनी है तो आपको पता है इसकी जो फ्रिंज होती है is, is तो अगर मुझे एंगुलर विर्थ निकालनी है मैं इसको भी कैपिटल डी ले सकता हूं इसको भी कैपिटल डी तो सिंपली जो यहाँ ठीटा आएगा दैट विल बी लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी तो यह लेमडा बाई डी आ जाएगा चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो उसकी जो विर्थ होगी किसी भी एक फ्रिंज की बात करो नॉट पोजिशन फ्रिंज की बात कर रहा हूं या नहीं है इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर आए मिनिमम इंटेंसिटी जीरो मैं कंसिडर करके चलता हूं तो यहां कुछ पैटर्न मिलेगा आप देख सकते हो सेंटर पे आपको सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है और राइट right और लेफ्ट साइड जाके आपको फ्रिजेस मिल रही हैं ऑल ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आप देख सकते हो

रेशियो ऑफेंसिटी ऑफ लाइट एट दूटर ऑफ द्राइट सो आप लोगों को पता है यहां आप लोगों को जो पार्ट डिफरेंस प्रोवाइडेड है जो बन रही है इंटेंसिटी यह हमेंट टू देंटर आपको पता आई का फॉर्मला क्या होता है आई मैक्स जो सेंटर पे बनती है उसको आई मैक्स लिख दिया एंड दैट इज सिंपलीस स्क्वायर फाइव बाई टू देखो आई वन और आई टू सेम हुए तो आप जानते हो यहाँ आई मैक्स की जगह फोर आई आ जाएगा बट जरूरत नहीं हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हमें निकालना है आई डिवाइडेड बाई आई मैक्स और ये कब निकालना है उस पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंस पे जहां आपका फेस डिफरेंस है लेमडा बाई एट तो आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो सॉरी फेस डिफरेंस निकाल सकते हो अगर पार्ट डिफरेंस दे रखा है तो यहां से डेल्टा फाइव का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई टू पाई और यहां से आ जाएगा आपका ये डेल्टा फाइव मतलब फेस डिफरेंस है मैं फाइव लिख देता हूँ और यहां से पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा तो आप देख सकते हो फाई का जो हो जाएगा बी पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स का मतलब है लेमडा बाई एट तो यहां से आ जाएगा लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएंगे इट विल बी पाई बाय फोर तो आप यहां सब्सिट्यूट कर सकते हो अगर आप सब्सिट्यूट करोगे तो यहां से आ जाएगा को स्क्वायर पाई बाय ट आ जाएगा जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखू कॉस्ट फाइव बाईट की अप्रक्सीमेटली वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन टू होती है तो इसकी वैल्यू कुछ जीरो पॉइंट एट फोर या फाइव कुछ इस, इसके आसपास आएगी तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए पे आएगा अब भाई अगर जय मेन्स का एग्जामिनेशन अगर ऐसा कैलकुलेशन वाला आएगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो बट इतना याद रखना कि कॉस फाइव बाई एट छोटा है फाइव बाई फोर से तो उससे कम ही वैल्यू है तो आप देख सकते हो जितना एंगल छोटा होता है तो कॉस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती है, है ना तो ये जीरो डिग्री की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है फाइव बाई एट है छोटा एंगल है इसका मतलब है यहाँ वन के पास आंसर थोड़ा सा जाएगा अदरवाइज अगर आपको ये वैल्यूज क्वेश्चन में दे देगा तो तो आप इजीली कर सकते हो सकता है क्वेश्चन अगर आए जई मेंस में वो आपको वैल्यू दे दे कॉस फाइव बाई एट की तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो So, जिस तरीके का ये क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जेई के एग्जामिनेशन में वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिकल पाथ देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ग्लास लैब इंसर्शन पे ऑप्टिकल पाथ क्या है ऑप्टिकल पाथ का मतलब है जो भी एक ज्योमेट्रिकल पाथ होता है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है मल्टीप्लाई बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्योंकि जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है और मीडियम में डिफरेंट स्पीड से कर सकती है तो ऑप्टिकल पाथ को हम इतना ही समझेंगे अगर कभी भी कोई वो ऑप्टिकल पाथ पूछे मैं ओपी लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट कोई भी जिस मीडियम में हम जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय जोमेट्रिकल पाथ जीपी का मतलब है जो मैंने यहां जीपी लिखा है दिस इज नथिंग बट दिस इज जोमेट्रिकल पाथ मतलब जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट के बीच के और ओपी का मतलब है यहां से आपका ऑप्टिकल पाथ ठीक है तो इसका मतलब है कि जोमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ अलग है और अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप वैक्यूम में चले जाओगे इन वैक्यूम तो ये दोनों पाथ सेम हो जाएंगे मतलब उस केस में ओपी इज सेम एस जीपी क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम के लिए या एयर के लिए हो जाता है तो अब मैं यहाँ कंपेयर करता हूं सपोज मैं ऊपर आपको एक ग्लास लेप यहां नजर आ रही होगी अगर आपको तो आप देख सकते हो इसको दिखाता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीनू तो यहां से ऊपर से एक रे गई इधर से इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेटर से ए से बी गई और एक रे सिमिलरली सी से डी जा रही है तो वैक्यूम में आप जल्दी पहुंच जाओगे सी से डी और मीडियम में आप लेट पहुंचोगे एक टाइम गैप आएगा वो टाइम भी आप इसलिए आएगा ऊपर स्पीड कम हो जाएगी बट मैं ऑप्टिकल पाथ की बात करूं ऊपर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये है तो ऊपर वाला जो ऑप्टिकल पाथ होगा आप देख सकते हो अगर ये लेंथ एल है तो ऊपर वाला ऑप्टिकल पाथ होगा एल दैट विल बी म्यू टाइम्स सॉरी जो ऑप्टिकल पाथ है दैट दैट विल विल बी बी म्यू टाइम्स और नीचे जो आपका पाथ होगा वो सिंपली कितना हो जाएगा एल क्योंकि ऑप्टिकल पाथ और जो पाथ नीचे सेम होगा वैक्यूम में हो. तो अगर आप पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हो तो ये ये हो जाएगा ल ल, तो तो इट बिकम्स इन दोनों में जो आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा मैं दो वेव दिखा रहा हूं आपके स्लैब से जा रही है और एक नीचे जो सिंपल वैक्यूम में जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट डिफरेंस दोनों के रास्ते में म्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय अगर आपको पार्ट डिफरेंस मिल गया तो फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था टू पाई बाईड बाई आपका जो भी पार्ट डिफरेंस आया नाउ बिकॉज ऑफ स्लैब मैंने एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया बी तो तक, तक का जो पार्ट डिफरेंस आया हमने देखा था वो कितना था म्यू माइनस वन इंटू टी ये मेरा पार्ट डिफरेंस आ गया था दोनों के बीच में मतलब एट लोकेशन बी डिफरेंस इक्वल टू दिस थिंग ठीक है इसकी वजह से सारी फ्रिंजेस शिफ्ट होती है और कितना शिफ्टिंग आता है आपका सारी फ्रिजेस में जितनी भी फ्रिंजेस यहां आपकी बन रही थी पहले वो सारी की सारी शिफ्ट होंगी ऊपर की तरफ क्योंकि आपने स्लैब ऊपर इंट्रोड्यूस किया सभी में ऊपर की तरफ एक शिफ्ट होगा और जो शिफ्ट होगा वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो शिफ्ट आ रहा है पार्ट डिफरेंस की वजह से तो दिस पार्ट डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये शिफ्ट आएगा इन एवरी फ्रिंज हर फ्रिंज में इतना शिफ्ट आएगा और अगर आप चाहते हो आप निकालना कि कितनी फ्रिजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई हैं तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो पहले यहाँ सेंट्रल ब्राइट था अब सेंट्रल ब्राइट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे वाली भी ऊपर शिफ्ट होंगी आप निकालना चाहते हो सेंट्रल ब्राइट कितना दूर चला गया है या फिर नीचे से कितनी ऊपर शिफ्ट कर गई हैं तो आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ शिफ्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो जो भी आपका टोटल शिफ्ट हुआ है जो भी आपका शिफ्ट हुआ है मतलब म्यू माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी बायॉल डी डिवाइडेड बाय फ्रिंज विथ कर सकते हो विच इज लेमडा डी बाई डी तो डिवाइडेड बाय फ्रिंज विथ मतलब शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विथ जो आपकी होती थी बीटा होती थी इससे निकाल लोगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई है वो भी आपके सामने आ जाएगा एक क्वेश्चन है यहां इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्लेट ऑफ थिकनेस टी मेड ऑफ मटीरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट इन दाई डी एस एक्सपेरिमेंट देंट यूज विच इज वेरी मच लेस देन डी तो इसका मतलब कैपिटल डीज वेरी मच ग्रेटर दिन स्मॉल डी मतलब स्क्रीन काफी दूर है फाइंड आउट दिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल लाइन तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ चला गया होगा तो शिफ्टिंग ही पूछ रहे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर यहां इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये है कि कितनी शिफ्टिंग हुई है हम लोगों को यही निकालना है तो आपको पता है डेल्टा एक्स अभी हमने देखा था म्यू माइनस वन इंटू टी था तो मैंने आपको बताया था जो शिफ्ट का फॉर्मला है वो सिंपली कितना हो जाएगा म्यू माइनस वन टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तो सारे मैक्सिमा इतने ही डिस्टेंस से शिफ्ट होंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा भी इतने ही डिस्टेंस से शिफ्ट होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला एक की जगह दो स्लैब कर दिए ऊपर भी एक पीछे भी जब स्लैब ऊपर होता था तो शिफ्टिंग ऊपर होती थी और अगर वही स्लैब मैं नीचे लगा दूं सिर्फ तो नीचे होगी बट अगर दोनों जगह स्लैब लगा दूं तो इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ज्यादा कौन सी है टी वन या टी टू और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा जो आपने पहले शिफ्टिंग देखी थी वो हमने क्या पढ़ी थी हमने म्यू माइनस वन इंटू टी ये शिफ्टिंग पढ़ी थी अगर हम सिर्फ ऊपर लगाते थे तो इससे इतनी शिफ्टिंग ऊपर होगी और दूसरे वाले से उतनी शिफ्टिंग नीचे होगी अब डिपेंड करता है अगर मैं इसको डाल दूं ऊपर वाले की वजह से इतनी शिफ्टिंग होगी नीचे वाले की वजह से नीचे की तरफ शिफ्टिंग होगी म्यू वन मा म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू मैंने एक को पॉजिटिव शिफ्ट मान लिया नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया तो ये मेरी टोटल शिफ्टिंग हो गई दिस इज द टोटल शिफ्टिंग तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपसे पूछ रहे वॉट विल बी पार्ट डिफरेंस डिफरेंस एट दिस पॉइंट पॉइंट तो इस पे जो आपका आएगा वो यही होगा मतलब यहां से जो आपका नया पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा वो आप देख सकते हो इतना ही होगा जो भी हम यहां शिफ्ट देख रहे हैं तो जो नया पार्ट डिफरेंस होगा आप इसको लिख सकते हो म्यू वन टी वन माइनस म्यू टू टी टू प्लस टी टू माइनस डिपेंडिंग अपॉन टी वन और टी टू में से बड़ा कौन है ठीक है ना तो यहां आपको देखना पड़ेगा ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर ये पॉजिटिव आएगा ये पूरा फैक्टर तो ऊपर की तरफ शिफ्ट नेगेटिव आया तो जो शिफ्ट होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का वाई एक्सपेरिमेंट से है बट इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जो इंसिडेंस है वो कुछ ओबीक इंसिडेंस है और आप देख सकते हो ये किसी एंगल थीटा से आ रहा है फ्रॉम द वर्टिकल मतलब स्लिट से जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा सो so, आप देख सकते हो जो S1 और S2 पे ये लाइट आ रही है ये सेम सोर्स से आ रही है और मान लेते हैं ये आप एक ही सोर्स से जब आ रही है और इसका जो वे फ्रंट है वो पारलर है बट आप लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा एस और एस पे जो फेस डिफरेंस है वो निचली सेम नहीं है तो आप कहोगे सर यहाँ से कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस या फिर पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा सो so, यहां से इफ दिस एंगल इज थीटा आपको नजर आ रहा है आपको कोई ये वाला एंगल थीटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सो फ्रॉम द जोमेट्री एज वेल आप देख सकते हो आपको ये वाला एंगल दिस इज लाइक दिस तो आप देख सकते हो आपको जो ये वाला एंगल दिया गया है दिस एंगल इज प्रोवाइडेड एज थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा हमारा है ना इस एंगल को भी हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं सो इफ दिस इज डी तो आप देख सकते हो बाई जोमेट्री दिस विल बी डी cos थीटा तो इसका मतलब ऊपर वाला जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है डी cos थीटा का बट अगर मैं ध्यान से देखू स्लैब से जो पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है वो स्लैब की वजह से अभी हम लोगों ने पढ़ा है म्यू माइनस वन इंटू टी और उसने बोला है पी नोट पे अभी भी मैक्सिम बन रहा है सेंट्रल ब्राइट बन रहा है तो इसका मतलब है म्यू माइनस वन इंटू टी डेट शुड बीस टू डी थीटा मतलब जो ऊपर पार्ट डिफरेंस आया है नीचे आया है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे नेट पार्ट डिफरेंस जीरो होगा इसलिए तो इसको इक्वेट कर दिया तो यहां से जो थिकनेस आ जाएगी डेट विल बी डी थीटा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन इन आर केस एंड दैट विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो आप देख सकते हो ऑब्लिक इंसिडेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सी एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है उसने उसने बोला दो स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय टू एम एम एंड स्क्रीन इज प्लेस वन मीटर अवेव द वेवलेंथ ऑफ फाइव हंड्रेड सेपरेशन विल बी। तो आपको सिंपली बीटा निकालना है दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आप लेमडा को डाल सकते हो फाइव हंड्रेड इंटू टेन रेशू दावर माइनस नाइन और कैपिटल डी की वैल्यू अगर हम देखें वो वन है और स्मॉल डी की बात अगर हम करें तो वो टू इंटू टेन रेशू दावर माइनस थ्री है अब नाउ सिंपल कैलकुलेशन है आपको जस्ट इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आप देख सकते हो टू को जब इससे डिवाइड करोगे तो टू फिफ्टी आ जाएगा जिससे क्लियरली आपको नजर आ रहा है आउट ऑफ फोर ऑप्शन जीरो पॉइंट टू फाइव एम एम दैट शुड बी देंसर फॉर द बीटा ठीक है नाउ इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जेई मेन्स में ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन जेई मेन्स में आ जाते हैं जब बीटा से सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है और कटेगरीज क्या है क्वेश्चन की जैसे आप एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसमें अगेन वाई एक्सपेरिमेंट दिया है जहां आप लोगों को सेपरेशन बिटवीन सिलेक्ट दिया है तो यहां से हम लोगों को स्मॉल डी की वैल्यू दे दी जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू टेन रेशियो दावर माइनस थ्री सबको आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करो यहां से आप लोगों को लेमडा भी दे रखा है फाइव एटी नाइन इंटू टेन पावर माइनस नाइन उसने कहा इंटरफेर ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन और यहां से कैपिटल डी दे रखा है वन पॉइंट फाइव मीटर द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रेंजेस इज अगेन हमें बीटा निकालना है सिंपल लेमडा डी बाय स्मॉल डी यूज करोगे एंड यू कैन कैलकुलेट तो क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप सिर्फ ऑर्मला यहां डालोगे यू विल गेट आंसर फाइव पॉइंट नाइन mm. एम एम आप देख सकते हो यहाँ आप लोगों के पास एक सोर्स है, है लाइट निकल रही है और वो लाइट दो स्लिट से पास हो रही है एस वन और एस टू से तो so, यहाँ अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखोगे तो स्क्रीन पे जो शेप आएगी दट विल बी द स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम इन सबकी यहाँ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कंडीशन होनी चाहिए अगर आप स्लिट से देखो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है और इसका डिस्टेंस जो होगा वो लेमडा होगा मतलब पार्ट डिफरेंस लेमडा होगा इस वाले का पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू होगा एंड सो ऑन आप देख सकते हो तो यहां से शेप हो जाएगी स्ट्रेट लाइन कुछ रेक्टेंगुलर टाइप सी बनेगी बट अगर मेरे सो पॉइंट सोर्स है तो यहां मेरे पॉइंट सोर्स है अगर आप बीच में बात करोगे तो रेक्टेंगुलर ही आएगी जो सेंटर वाली है वो रेक्टेंगुलर आएगी क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस आप देख सकते हो यहां से जीरो होगा इस पॉइंट पे बट अगर आप ऊपर कहीं डिस्कस करोगे तो इसकी शेप कुछ हाइपरबोला टाइप बनेगी ऐसे तो कहने का मतलब है अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो शेप होएगी वो कुछ हाइपरबोलिक बनेगी नॉट स्ट्रेट लाइन अगर आपने यहां स्लिट की जगह होल्स कर दिए सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें यहां से अगर मैं दो पॉइंट सोर्स लू बट एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे लू एस वन और एस टू दो पॉइंट सोर्स लू यहां से अगर आप देखोगे कंडीशन क्या होगी आप इन दोनों का जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो यहां आएगा अगर इनका पार्ट डिफरेंस लेमडा है तो यहां ब्राइट बनेगा अगर यहां Uh, अगर यहां लैमडा नहीं है और ऑड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ है तो लैंड कैसा बनेगा डार्क बनेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस विल बी द पार्ट डिफरेंस फिर आपको इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस हर जगह देखने हैं और ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी आप देख सकते हो तो कुछ कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रेंजेस बनने वाली है अगर दो पॉइंट होरिजोनटली प्लेस कर दिए जाए कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए नाउ ईडीसी एक्सपेरिमेंट सिंगल लाइट से भी कर सकते हो जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं जहां आप एक वेवलेंथ यूज करते हो लाइट से कर सकते हो जहां एक लाइट में दो तरह की वेवलेंथ होंगी पोलीक्रोमेटिक से कर सकते हो जहां मोर देन टू वेवलेंथ या दो या दो से ज्यादा वेवलेंथ आप यूज कर सकते हो अगर आप व्हाइट लाइट की बात करते हो वो पॉलीक्रोमेटिक होती है राइट right? उसके अंदर बहुत सारी कलर्स होते हैं बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं और अगर आप नेम करोगे सेवन कलर्स का तो आप सेवन कलर्स बोलते हो वही जो विजिबल आपके तो आप आप तो so yes, कैटेगरी का भी आता है आप लोगों के सामने अगर हम एक डाइक्रोमेटिक सोर्स यूज करें जिसके अंदर दो वेन्थ है वाई डी एक्सपेरिमेंट में तो डेफिनेटली अगर मैं यहां देखूंगा तो आपका सेंट्रल ब्राइट बनेगा हर बार क्योंकि कोई भी कलर हो चाहे लेमडा वन की बात करूं या लेमडा टू की बात करूं दोनों वेवलेंथ है मेरे पास यहां आपका जो फेस डिफरेंस आएगा पार्ट डिफरेंस आएगा जीरो आएगा क्योंकि कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं की और पैरेलल वेव फ्रंट हमने यहां इंट्रोड्यूस किया है एस वन और एस टू तक कोई फेस डिफरेंस नहीं था उसके बाद सेंट्रल ब्राइट यहां बनेगा बट उसके बाद दोबारा ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं होगी दोबारा ओवरलैपिंग फॉर एक्जाम्पल यहाँ होती है फिर कई बार दूर जाके भी होगी फिर थोड़ी और दूर जाके भी होगी कहने का मतलब है इन बिटवीन बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहां ओवरलैपिंग होगी बट जहां ओवरलैपिंग होगी हो सकता है जो लेमडा वन है उसका एन वन

कट जाएगा, जाएगा कैंसिल तो so की वैल्यू आ गई थ्री और एन वन की आ गई फोर और भी वैल्यूज हो सकती हैं। आप टू से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स बाई एट भी लिख सकते हो आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दो नाइन बाई ट्वेल्व भी लिख सकते हो तो इसका मतलब सेकेंड वाली वेवलेंथ का लेमडा टू का मतलब जिसकी वेवलेंथ सिक्स थाउजेंड है इसका थर्ड मैक्सिमा और इसका फोर्थ मैक्सिम ओवरलैप कर रहा है फिर सिक्स और एट ऐसे करेंगे बट आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो आप वाई इज इक्वल टू आप एन टू को या तो थ्री लिख लो एन वन को फोर ले लो और सोल्व कर लो तो आप क्या करोगे वाई इज इक्वल टू एन वन को लिया फोर लेमडा वन की जगह फोर्टी फाइव हंड्रेड और आप लिख सकते हो कैपिटल डी क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टेन टू दी पावर माइनस थ्री नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई मिनिमम वैल्यू वाई की यहां से आप आराम से निकाल सकते हो सो so एक कंसेप्ट याद रखेंगे डाइक्रोमेटिक में आपसे पूछेगा कौन सा मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा है आप निकाल सकते हो मिनिमम डिस्टेंस तो आपको वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हो सकता है वो पूछे कि थर्ड टाइम जब वो ओवरलैप कर रहे हैं तो थ्री टाइम्स वाला मतलब N, N2 N1 आपने निकाला था आप उसको थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना जो रेशियो आ रहा है उसको थ्री ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना और एन टू बाई एन वन की वैल्यू आप चूज कर सकते हो ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट डाइक्रोमेटिक डाइक्रोमेटिक में ऐसे होता है अब यहां एक चीज और होती है जब हमारी लाइट uh, होती है वो अपना फेस भी चेंज करती है रिफ्लेक्शन पे कहने का मतलब है अगर आप ध्यान से देखोगे हम अगर लाइट को बड़े ध्यान से देखें ये बिल्कुल वैसी है जैसे रोप का हम एग्जाम्पल लेते हैं आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है क्लियरली यू कैन सी वन थिंग आप देख सकते हो जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हो तो यहाँ रोप में क्या हो रहा है जो रिफ्लेक्टेड रोप है आप देख सकते हो टकराने के बाद इट गेट्स इनवर्टेड तो देर इज अ फेस डिफरेंस पाई का या फिर पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू का और डेंसर मीडियम में वो सिंपली कॉन्टिन्यूटी रहती है नीचे देखो अगर आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी दोबारा से पीछे जाएगी विद नो फेस डिफरेंस मतलब रेयर से डेंसर में जब कोई रे टकराती है जो रिफ्लेक्ट होती है उसमें एक फेस डिफरेंस पाई का पार्ट डिफरेंस का आता है जब रेयर रेयर से डेंसर डेंसर में जाते हो में कुछ नहीं होता और रिफ्रैक्टेड रे के साथ कुछ होता है क्या रिफ्रैक्टेड के साथ कुछ नहीं होता उसमें कोई पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता रिफ्लेक्टेड में ही हो सकता है चाहे रेयर से डेंसर में जाओ या डेंसर से रेयर में इसी चीज को हम यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे एयर से यहां आपने एक लाइट इंसिडेंट करी कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा कुछ रिफ्रैक्ट होगा तो जो रिफ्लेक्ट होगा इसमें पाए का फेस चेंज आ जाएगा इसमें पाए का फेस चेंज हो जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा नो पाई चेंज फिर दोबारा से यहाँ इंसिडेंट हो रही है बट इस इंसिडेंट्स पे कोई पाई का चेंज नहीं आएगा दोबारा से रिफ्लेक्शन हो रहा है पर कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा आप देख सकते हो यहां भी तो आपको अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ये डेंसर से रेयर में हो रहा है म्यू से ए में जा रहे हैं तो यहां कोई पाई चेंज नहीं आएगा यहां कोई भी पाई चेंज नहीं आएगा और ना रिफ्रैक्टेड में आएगा तो पाई चेंज सिर्फ आपको यहां मिलेगा है ना इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में एक फेज डिफरेंस यहां पाई का आपको मिल सकता है इसी पे बेस्ड एक लॉयड मिरर का कंसेप्ट है आप इसमें क्या करते हो यहाँ एक मिरर रखते हो नीचे इस पे पॉलिशिंग है मिरर के दो पॉइंट्स देख सकते हो एंड पॉइंट्स ए यहां से जो डिस्टेंस है ये वाला एंड पॉइंट है इसका उसको पॉइंट वन क्या देते हैं इसका डिस्टेंस आपका कुछ ए है यहां से मिरर की लेंथ बी है और दूसरे एंड पॉइंट का डिस्टेंस सी है स्क्रीन से ठीक है और आपने कहीं ना कहीं अपना ऑब्जेक्ट यहां रखा है या फिर सोर्स यहां रखा है यहां से रे जाएगी और मिरर पे टकराएगी तो यहां से रे जाएगी ऐसे मिरर के ऊपर टकराएगी तो आपने देखा मैंने दो इंसिडेंट रे बनाई तो अगर आप इन दोनों को बैक एक्सटेंड करोगे तो यहां इसकी कुछ इमेज बनेगी जैसे प्लेन मिरर के सामने हमेशा बनती है यहां इमेज और ये जो ऑब्जेक्ट है कहने का मतलब है सोर्स है और जो उसकी इमेज है जो आपको मिरर में नजर आ रही है दे विल दे विल बी एक्टेड लाइक मतलब वो कैसा बिहेव करेंगे दे विल बिहेव लाइक टू डिफरेंट सोर्सेज जैसे वाई डी एस सी में होता है बट एक फर्क आएगा जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है जो रे यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है उसमें एक फेस चेंज आ जाएगा पाई का जो रे यहां से रिफ्लेक्ट reflect होगी रिफ्लेक्टेड रे में एक फेज डिफरेंस आएगा पाई का तो कहने का मतलब है इन एक्चुअल प्रैक्टिस रे यहां से निकल के यहां जा रही है बट ऑब्जर्वर को हमेशा ऐसा लगेगा जो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे आपको कभी नहीं लगेगा ये रिफ्लेक्टेड है आपको एक रे आपकी तरफ डायरेक्ट आती हुई दिखेगी दूसरी रे नीचे से आती हुई दिखेगी कहने का मतलब है दोनों सोर्स के बीच में एक पाए का फेज चेंज होगा मतलब ऑलरेडी दोनों सोर्सेस सेम फेज से नहीं रे भेज रहे तो इसका मतलब है उनके बीच में पहले से एक फेज डिफरेंस है पाई का और जो ये ये रीजन है जो मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे डाला है जैसे हम फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं ऑप्टिक्स में वैसे ये भी है इसी रीजन में आपको पैटर्न ऑब्जर्व होगा जहां आपकी रिफ्लेक्टेड और क्योंकि देखो डायरेक्ट रे तो कहीं भी जा सकती है बट रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ इस रीजन में आ सकती है जहां रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट रे मतलब डायरेक्ट सोर्स से और रिफ्लेक्टेड रे आपस में आपस में मर्ज होंगी इंटरफेयर करेंगी वहीं आपको पैटर्न मिलेगा तो दिस इज अ रीजन वेयर यू विल गेट इंटरफेरेंस इसको इंटरफेरेंस रीजन बोलते हैं और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया दोनों सोर्सेज में ऑलरेडी पाई का लेमडर बाई टू का पार्ट डिफरेंस और पाई का फेज डिफरेंस होगा जैसे ये सिंपल है आप देख सकते हो मिरर बिल्कुल लास्ट तक मोचा दिया तो आपको सर यहाँ रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगी और इंसिडेंट रे भी मिलेगी बट रिफ्लेक्टेड रे की अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से पाई का फेस चेंज देगी इंसिडेंट रे यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगी आपको तो अगर आप देखोगे देखने में लग रहा है कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है मतलब ये सोर्स हो गया ये इसकी इमेज हो गई देखने में लग रहा है कि सर ये इसमें कोई होना तो नहीं चाहिए बट एक्चुअली इसके अंदर एक पाई का फेस डिफरेंस होगा ये दोनों जीरो फेज डिफरेंस के साथ नहीं है तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट रे आपस में मिलेंगी और उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस तो यहां से जो भी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी जीरो क्योंकि मैं मान रहा हूं कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट की मतलब इन दोनों की जो इंटेंसिटी है इमेज की और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी है सेम है ठीक है so सो यहां से आप कर सकते हो यहां से आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी जीरो सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा है तो इसका मतलब आप वो पूछना चाहता है कि फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा का सो so, आप देख सकते हो अगेन ये सोर्स है यहाँ इसकी कुछ इमेज बनेगी मतलब ये दूसरा सोर्स हो गया यहाँ से रे कुछ ऐसे जा रही है और एक रे मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले ली तो इस पॉइंट पे मैंने मान लिया लेटेस्ट से एट पॉइंट पी एक डायरेक्ट डायरेक्ट रे जा रही है एक रिफ्लेक्ट होकर जा रही है या फिर आप कह सकते हो सोर्स से जा रही है एक ही बात है बट आपको पता है यहां से एक पाई का एक्स्ट्रा फेज है तो आप देख सकते हो वैसे एस पी और यहां से अगर मैं इसको एस डैश पी कहूं तो इसका जो फेस जो पार्ट डिफरेंस आता था जब हम वाई डी एस सी करते थे तो एस डैश पी माइनस एस पी को हम लिखते थे वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी बट अब इसके पास एक एक्स्ट्रा पाए है या फिर आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा लेमडा बाय टू है अब आपका जो पार्ट डिफरेंस हो गया वो ये हो गया और आपको पता है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपको लेमडा डालना चाहिए और अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो भी अब डी नहीं रहेगा इसको हमें डालना पड़ेगा टू डी तो जहां आप डी लिख रहे थे वहां आपको सब्सिट्यूट करना पड़ेगा टू डी क्योंकि दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहां सोर्स और उसकी इमेज स्लिट्स की तरह एक्ट कर रही है सो so यहां से आप देख सकते हो टू वाई स्मोल डी बाई कैपिटल डी इट विल बी लेमडा बाई टू तो यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई फोर डी ये हमारा आंसर होगा तो यहां पे आप लोगों को फर्स्ट मैक्सिमम मिलने वाला है सो so, ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो उसने बोला फ्रिंज विथ निकालो देखो फ्रिंज विथ का फॉर्मुला वही रहेगा बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा डी की जगह हमें डालना है स्मॉल डी क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ये है अब इनके बीच में स्लिट्स के बीच में डिवाइडेड बाय कैपिटल डी सिंपल ये फॉर्मुला आपको लेमडा दे रखा है कैपिटल डी दे रखा है स्मॉल डी की वैल्यू दी है सब्सिट्यूट करोगे यू विल गेट द बीटा ओके सिंपल फॉर्मुला बेस्ड अब उसमें बोला है इफ द मिरर रिफलेक्ट ओनली सिक्सटी फोर लाइट एनर्जी फॉलोइंग इट वॉट द मैक्सिम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इसका मतलब है यहां वाली इंटेंसिटी अगर आई नॉट ले रहे हो तो यहां वाली जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स फोर आई नॉट ठीक है मतलब आई वन की वैल्यू हमारे पास ये हो गई और आई टू की वैल्यू हमारे पास ये हो गई और आपको पता है आई मैक्स का जो फॉर्मुला होता है दैट इज नथिंग बट रूट आई वन प्लस रूट आई टू इसका होल स्क्वायर तो यहां से आप लिख सकते हो रूट आई नॉट प्लस रूट ऑफ जीरो स्क्वायर कर दोगे तो यहां से आ जाएगा रूट आई नॉट और एट ये सिक्सटी फोर है तो ये जीरो पॉइंट एट इन टू रूट आई नॉट और इसका स्क्वायर आ जाएगा तो वन पॉइंट एट रूट आई नॉट और इसका स्क्वायर ऐसी आप आई मिन निकालोगे तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो यहां से रूट आई नॉट माइनस जीरो पॉइंट एट रूट आई नॉट और इसका स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा जीरो पॉइंट टू रूट आई नॉट और इसका तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट दिसो पॉइंट इंटू आई नॉट और आई मैक्स बाई आई मिन आप लोगों को निकालना है तो जस्ट टेक द रेशियो अगर आप इसको रेशियो निकालोगे यू विल गेट दी आंसर एस एट्टी वन बाई वन तो इसका जो आंसर आएगा दैट दैटी एन बाय वन आप देख सकते हो सिंपल कैलकुलेशन है ज्यादा कुछ नहीं है बस आपको छोटी सी यहाँ कैलकुलेशन करनी है अगर आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे यू विल गेट दिस आंसर ठीक है सो so, यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया है अब आप लोग क्या कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर सकते हो या नेक्स्ट कंसेप्ट को हम सबसे पहले देखते हैं तो जिस तरीके से हम वाई डी ऐसे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे हमने डायक्रोमेटिकली जरूर किया था बट आप व्हाइट कलर की लाइट के लिए भी देख सकते हो देखो ज्यादा इससे क्वेश्चन कभी नहीं आते व्हाइट कलर से सिर्फ जनरल नॉलेज मतलब जनरल क्वेश्चन आते हैं एक बार आया भी हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ उसने बोला दो स्लिट्स हमारे पास एस, और इन दोनों स्लिट से हम व्हाइट कलर डाल रहे हैं तो आपको पता है कलर की हो उसके बाद सबसे कम वेवलेंथ जो होगी दैट विल बी ऑफ वॉयलेट कलर है ना तो वॉयलेट की बहुत कम बीटा होगी जो बीटा होगा वो डिपेंड करता है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और रेड कलर का सबसे बड़ा होगा बट इसके बाद जब तक हम वायलेट से जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट कलर आएगा फिर नेक्स्ट कलर आएगा तो किसी का भी मैक्सिमा नहीं दिखेगा तो सबसे पहले जो मैक्सिमा दिखेगा वो वायलेट का ही दिखेगा क्योंकि वो जल्दी से दोबारा आ जाएगा

ताकि हमें मैक्सिमम मिल सके क्योंकि कुछ पार्ट डिफरेंस है वो आप लोगों को ऑब्वियसली नजर आ रहा है कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा सो मिनिमम पार्ट डिफरेंस हो सकता है जीरो बट यहाँ हम कंडीशन यूज करेंगे जीरो के बाद लेमडा यूज करेंगे क्योंकि जीरो पार्ट डिफरेंस नहीं है जीरो से थोड़ा ज्यादा ही होगा पार्ट डिफरेंस तो मिनिमम इस केस में जीरो ना होकर लेमडा हो जाएगा सो so, करने का तरीका ये आप दोनों रेस देख सकते हो तो सबसे पहला काम होगा कि हम यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल ले सबसे पहले हमें यहाँ एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा क्योंकि यहां तक जो दोनों रेस चल रही है अगर मैं इसको कुछ नाम दू मैं इसको कह देता हूं ए बी इसको बोल देता हूं सी और ये डी तो ए से बी और सी से डी बी और डी के बाद पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ आप देख सकते हो बी से पहले आप ओ तक जाओगे फिर आपको यहां एक रिफ्लेक्शन फेस करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के बाद यू विल ट्रेवल टिल ओ तो ओ तक आओगे ये जो आप एक्स्ट्रा पाथ कवर करोगे विच इज बी ओ प्लस ओ डी बी ओ प्लस ओडी प्लस एक रिफ्लेक्शन की वजह से जो आएगा दैट विल बी लेमडा बाई टू क्योंकि आप रिफ्लेक्शन uh, रेयर से डेंसर मीडियम पे कर रहे हो ये हमारा पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स और इसको हमें हमेंट कर देना चाहिए लेमडा से अब कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को सपोर्ट में एक चीज दे रखी है ये डिस्टेंस डी दे रखा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने वाला है आप लोग क्या कर सकते हैं ये अंदर वाले एंगल को भी थीटा कह सकते हैं अब आप देख सकते हो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सो so आप देख सकते हो दिस डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एज डी इन द डायग्राम ये डिस्टेंस आप लोगों को डायग्राम में प्रोवाइडेड है डी तो आप इस एंगल को भी थीटा लिख सकते हो तो क्लियरली आप देख सकते हो यहां से ओडी कैलकुलेट कर सकते हो अगर हम OD की बात करें OD यहां से जो आएगा आपका दैट विल बी स्मॉल डिवाइडेड बाय थीटा ओके सो अगर आपका ओडी आ गया तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ बी डी ट्राइंगल ओ बी ओ डी में अगर आप ध्यान से देखोगे ओडी विल बी द हाइपोटेन्यूज और जो एंगल बनेगा दैट विल बी टू थीटा ये टोटल एंगल की अगर मैं बात करूं दिस विल बी टू थीटा सो यहां से आप लिख सकते हो कि यहां से जो बी ओ है दिस इज नथिंग बट जो बी ओ है दिस इज बट इट विल बी कॉस ऑफ टू थीटा तो आप देख सकते हो हम इसको क्या लिख सकते हैं डी बाय कॉस थीटा और कॉस टू थीटा सो यहां से टोटल पार डिफरेंस जो हो जाएगा दैट विल बी डी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस टू थीटा प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड प्लस लेमडा बाय टू Is to ये आ जाएगी, ये अब हम लोगों को सॉल्व करनी है सो so आप देख सकते हो डी थीटा को इजिली आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो और यहाँ ब्राकेट में बचेगा वन प्लस और राइट right साइड आ जाएगा लेमडा बाई टू और वन प्लस को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा सो हम लिख सकते हैं इसको टू कॉस स्क्टा एक्चुअली तो यहाँ से आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड दैट शुड बी लेमडा बाई टू So, से जो कंडीशन आ रही है कॉस्टा एक थीटा से कैंसिल होगा यहां से जो आपके सामने कंडीशन आएगी दैट विल बी डी थीटा शुड बी ले तो इस तरीके का एक बार क्वेश्चन आया था जय एडवांस में सो आप देख सकते हो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है क्या है और उसको कैलकुलेट करेंगे और वी डोट फोगेट की उसको जरूर कंसडरेशन मिले एंड दट वॉज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन ये ईजिली सोल्व हो सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सो डेफिनेटली इसका आंसर मैंने आप लोगों को दिखा दिया क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है बट इस कॉन्सेप्ट को जरूर हमें कवर करना चाहिए एंड आई एम डायरेक्टली डिस्कसिंग द फॉर्मुला वी आर नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन पार्ट तो आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला आप लोगों को और कंडीशन याद रखनी है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किन दो रेस की बात कर रहा है एक ऊपर से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है एक रे नीचे से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ रही है इन दोनों के पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है इसके लिए जो आपका टू म्यू इंटू डी म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डी इज द थिकनेस ऑफ दिन फिल्म कभी, -कभी कहता है क्वेश्चन तो टू म्यूडी एंड दैट शुड भी तो आप देख सकते हो यहां से यह कंडीशन होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयरेंस की एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयरेंस के लिए जो कंडीशन है टू म्यूडी इज इक्वल्स टू एन लेमटा सो यह कंडीशन याद रखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डेरवेशन आई एम राइटिंग दिस थिंग वैसे अगर आपको डेरीवेशन की बात करें तो वो भी इतना मुश्किल नहीं होता आप देख सकते हो ऊपर आपका एक बाय टू का पार्ट डिफरेंस आएगा और नीचे से जो पार्ट डिफरेंस कवर करेगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली टू म्यूटी तो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर स्मॉल से आप इस कंडीशन पे अराइव कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बट वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मुला अगर हम जेई मीन की बात करें अदरवाइज चांसेस कम है आने के इससे बट आ सकता है इसलिए हम लोग डिस्कस जरूर कर रहे हैं फॉर्मुला सो so, ये थिन फिल्म इंटरफेयरेंस हुआ इसके बाद वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज डाइफ्रैक्शन सो अगेन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन सबसे दो बेसिक फिनोमिजाज हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं जो वेव ऑप्टिक्स के लिए बहुत यूजफुल है मतलब तो रे ऑप्टिक्स के थ्रू हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते डायफ्रेक्शन में भी क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे हम कोई वेव को हम इंसिडेंट करा रहे हैं ऑन अ स्लिट तो यहां आप देख सकते हो देर इज अ स्लिट एक छोटा सा होल कह सकते हो स्लिट कह सकते हो और यहां अगर हम रे को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये जब प्लेन वेव यहाँ फॉल करेगी उसके बाद इट बिकम्स वेरिकल तो जब ये क्रॉस करेगी आपके रीजन को कहने का मतलब है लेफ्ट से राइट right रीजन में जाएगी ये बिफोर स्लिट और आफ्टर स्लिट बिफोर स्लिट प्लेन वेव फ्रंट था और आफ्टर आफ्टर स्लिट स्फेरिकल हुआ और होने का एक ही रीजन है अगर आपकी स्लिट का साइज बहुत छोटा हुआ एज कंपेयर टू वे फ्रंट या वेवलेंथ में कह दू तो अगर ऐसा होगा तो ये बिल्कुल पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेंगे दैट वुड बी स्फेरिकल तो क्लियरली इसकी कंडीशन है जो आपका साइज होना चाहिए स्लिट का वो इतना छोटा होना चाहिए एज कंपेयरबल टू वेव ऑफ द लाइट या फिर वेव फ्रंट के कंपेरिजन में होना चाहिए तो यहां से बेंडिंग ऑफ वेव होती है और इसको समझने के लिए हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं बट अगर आपकी स्लिट बहुत बड़ी हो गई तो उस केस में आपके जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल नहीं बन पाएंगे और आपको ये जो बेंडिंग इफेक्ट है ये नजर नहीं आएगा तो ये बेंडिंग इफेक्ट सिर्फ तभी आएगा जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम बहुत मोटी कर देंगे स्लिट तो कुछ अलग इफेक्ट्स आएंगे उस केस में कुछ अलग इफेक्ट आएंगे बट अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको समझाएं तो मैंने यहाँ क्या होगा तो यह अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो बाइंडिंग इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा आपको आने वा, निकलने वाली वेब्स भी कैसी नजर आएंगी प्लेन वेब फ्रेंट नाउ स्टूडेंट्स दो टाइप के यहाँ डाइफ्रेक्शन होते हैं नाउ स्टूडेंट्स हेयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन एक हम बोलते हैं फ्रोनोफर और एक होता है फ्रेनल दोनों में डिफ्रेंस है अगर हम फ्रोनोफर डायफ्रेक्शन uh, की बात करें फ्रोनाफर डायफ्रेक्शन में जो सोर्स है वो बहुत दूर पड़े होने चाहिए आपके स्लिट से और आपकी स्क्रीन भी दूर होनी चाहिए आपकी स्लिट से तो इसका मतलब है पैरल वेफ्रंट होना चाहिए और कन्वर्च करने के लिए बेसिकली आपका डिस्टेंस भी बहुत दूर होना चाहिए मतलब आपका स्क्रीन पर इफेक्ट आए अब इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ लेंसेज लगाते हैं क्योंकि सोर्स को हम बहुत बहुत ज्यादा दूर नहीं रख सकते उससे इंटेंसिटी कम हो जाएगी दैट्स वी यूज लेंस लेंस हेयर यूज करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो यहां से आप लेंस क्या करती है आपके वेव फ्रंट को है वही इफेक्ट देती है जैसे कि वेव फ्रंट किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए सोर्स से आ रही है और फिर उसके बाद पैटर्न को तो स्क्रीन पे कन्वर्ट करने के लिए वे यूज वन मोर लेंस तो दो कन्वेक्स लेंसेज को यहाँ यूज किया जाता है फ्रेनल के केस में हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो सकता है और उस केस में हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स भी

इफ़ेक्ट uh, देखते हैं मतलब किस तरीके का पैटर्न आ रहा है और यहाँ कंडीशन होती है हमारी जो भी हमारा यहाँ वेफ्रंट आपका इंसिडेंट कर रहा है यहाँ हमारी वर्थ बी कंसिडर की गई है अब यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जब पैटर्न देखते हैं तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज़ आती हैं यहां मैक्सिम मिनिमा की इंटेंसिटी का भी फॉर्मुला होता है और यहां सारी इंटेंसिटीज इक्वल भी नहीं होती बट जिस तरीके से वाई टी एस में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट मिलता था यहां भी बीच में आपको सेंट्रल ब्राइट ही मिलने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो फेस डिफरेंस होगा अगर आप यहां से अपना वेव फ्रंट भी कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ वेफ फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट सोर्स ले सकते हो और अगर आप ध्यान से देखो ये सारे पॉइंट सोर्स क्योंकि ये सेकेंडरी एक तरीके से सोर्सेस हो गए जिसको हम कह सकते हैं हमने हाइगन्स थ्योरी में भी पढ़ा था तो यहां से अगर आप किसी भी कितने भी सोर्सेस ले लो सबका अगर आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे पी नोट पे तो वो जीरो ही होगा दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि सेंट्रल ब्राइट मिलेगा बट वी आर लुकिंग फॉर द डार्क फ्रिंजेस की पहली डार्क कहां बनेगी तो मैं सेंट्रल ब्राइट के ऊपर और नीचे अगर डार्क को देखता हूं तो सबसे पहले हम लोगों को यहां इसका पार्ट डिफरेंस निकाल लेना चाहिए कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा आप देख सकते हो आप इसको पार्ट डिफरेंस कह सकते हो डेल्टेक्स तो जो यहां से पार्ट डिफरेंस आता है आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो इट विल बी नथिंग बट इट विल बी बी साइन थीटा अगर मैं आधे बीच मतलब मैं सेंटर uh, से डिस्टेंस देख रहा हूं इसका तो डिस्टेंस इज बी बाई टू और यहां तक पार्ट डिफरेंस बी बाई टू साइन होगा अगर टोटल स्लिट के बीच में देख रहा हूं तो दैट विल बी बी साइन थीटा सो आप ये बी बाई टू साइन थीटा ये वाला कह रहे हो तो टोटल बी साइन थीटा हो जाएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर मिनिमम कंडीशन देख सकते हैं बी साइन थीटा इज एन लेमडा ये कंडीशन है कहने का मतलब है जब आपकी पूरी आपके स्लिट के ऊपर अगर हमारा वेव फ्रंट आता है तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो और अगर आप इनके बीच का टोटल पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हो डेल्टा एक्स की वो अगर आप लेमडा टू लेडा थ्री लेमडा डालोगे तो मिनिमा मिलेगा दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी एस की एक्सपेरिमेंट और इसका एक रीजन होता है कि अगर आप स्लिट में ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो अगर इनका दोनों का डिफरेंस पार्ट डिफरेंस है तो सेंटर से जो डिफरेंस आएगा वो बाई टू आएगा तो ये दोनों सोर्सेज मिलकर यहां मिनिमा बनाएंगे फिर नेक्स्ट यहां से एक सोर्स और यहां एक सोर्स मिलकर दोबारा से लेडा बाई टू पार्ट डिफरेंस देंगे तो दोबारा से ये मिनिमा बनाएंगे तो सारे सोर्सेज यहाँ दो, दो दो करके हम सोर्सेज को ले सकते हैं पेयर वाइज तो सभी क्या बनाएंगे यहां हमारा जो आएगी 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 वो मिनिमा की तो इसका मतलब minimum intensity या zero intensity हम यहां बोल सकते हैं so, yes, definitely, यहां से condition थोड़ी बदल जाती है फॉर मिनिमा अगर हमें maxima चाहिए तो मैक्सिमा के लिए हमारी कंडीशन हो जाएगी हम बी साइन को चूज कर सकते हैं एन प्लस वन बाय लेमडा एन प्लस वन बाय टू लेन की वैल्यू वन से स्टार्ट करेंगे और नीचे हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसकी जो वैल्यू वो 2 से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वन और नीचे माइनस टू से मतलब थ्री लेमडा बाय टू ऊपर और ऐसी थ्री लेमडा बाई टू नीचे पार्ट डिफरेंस होना चाहिए तभी आप लोगों को यहां क्या मिलेगा मैक्सिमा तो पहला मैक्सिमा सेंट्रल मिलेगा फिर उसके बाद इतने डिस्टेंस पे मिलेगा यहां से फिर फ्रिंज विड्थ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसके साथ साथ इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला डिफरेंट लोकेशन पे इंटेंसिटी कितनी आएगी तो अगर आप मैं आपको ध्यान से दिखाऊं ये कुछ पैटर्न बनता है तो आप देख सकते हो अगर आपने देखा था पहला सेंट्रल ब्राइट बन रहा था तो जो नेक्स्ट मैक्सिमा बना है वो जो नेक्स्ट मैक्सिमा बनेगा उस वो आपका एक डिस्टेंस पे बनेगा थ्री लेमडा बाई टू बी ठीक है और यहां से भी आप देख सकते हो दिस डिस्टेंस विल बी थ्री लेमडा बाई टू बी विद अ नेगेटिव साइन

डेरिवेशन भी इसका अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं बट डेफिनेटली इतना क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता ना एन एडवांस में कभी इसका डेरिवेशन आपसे पूछता है तो सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि कंपैरिजन पूछा जा सकता है वाई टी एक्सपेरिमेंट में सारे मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी के होते थे बट यहां ऐसा नहीं होता है मैक्सिम इंटेंसिटी आपकी आई नॉट फिर इंटेंसिटी आपकी कम होती जाएगी आप देखोगे आई नोट बाई ट्वेंटी टाइम्स हो जाएगी एंड देन इट विल रिड्यूस टू आई नॉट बाय ऑन ठीक है सो so, यहां से आप इस कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो और थीटा यहां से एंगुलर है आप जिस लोकेशन पे देख रहे हो सो क्लियरली इस तरीके का इंटेंसिटी पैटर्न आपको नजर आता है नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलैन सिक्स हंड्रेड एनोमीटर फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन फॉल्स ऑन सिंगल्स लाइट वन एम एम वाइड एंड रिजल्टिंग द डायरेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व एट टू मीटर अवे द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड इसका मतलब दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस और आपको पता है ये जो बनी थी वो लेमडा बाई बी पे बनी थी ये माइनस लेमडा बाई बी पे बनी थी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस तो अगर आप देखोगे तो टू लेमडा डी डिवाइडेड बाय बी ये एक तरीके से सेंट्रल ब्राइट right की फ्रिंज वर्थ हो जाएगी आप देख सकते हो उसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है राइट right? तो अभी हमने जो पीछे देखा था दैट वॉज द एंगुलर पोजिशन जो यहाँ लेमडा बाई लेमडा थ्री uh, ये सब कह रहे थे एंगुलर पोजिशन अगर आप कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है सो डेफिनेटली यहां से हमने वही डिस्टेंस निकाला है तो ये आ गया टू लेमडा डी बाई बी अब सिर्फ हमें यहाँ सब्सिटीट्यूट करना है टू इंटू लेमडा की जगह सिक्स हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन एंड कैपिटल डी की बात करें टू डिवाइडेड बाई बी की बात करें तो आपके पास लिट विट दे रखिये टेन रेसू दी पावर माइनस थ्री तो ये आप लोग यहाँ सब्सिट्यूट कर सकते हैं अगर आप इसको सॉल्व करोगे अराउंड टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेसू दावर माइनस थ्री मीटर आएगा एंड डेफिनेटली ये जो आंसर है ऑप्शन डी से मैच कर रहा है सो द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ओके और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ आप देख सकते हो उसने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है दोबारा से देखो इसने फिर से फ्रॉन ऑफर एफ्रेक्शन के बारे में बोला है और आपसे बोल रहा है नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है जैसा कि हम पढ़ते हैं फर्समेंट बिटवीन स्लेट ये हम डिस्कस कर रहे थे मैंने बोला है, है तो मैंने बिल्कुल कॉर्नर वाले आप ये वाला चूज कर लो एक ये वाला चूज कर लो तो इनके बीच में मैंने आपको बताया था फर्स्ट मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा एक्स होना चाहिए दैट शुड भी लेमडा नेक्स्ट वाले के लिए टू लेमडा उससे नेक्स्ट मिनिमा के लिए थ्री लेमडा तो फर्स्ट मिनिमा के लिए

इस क्वेश्चन को देखने में लगता है कि कुछ पूछ रहा है बट कई बार क्लियरिटी नहीं मिलती कि एक्सैक्टली exactly पूछना क्या चाहता है तो अगर आप ध्यान से देखो उसने बोला मोस्ट ऑफ द लाइट लाइटेड इसका मतलब वो वो पूछ रहा है वो रीजन बताओ जहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको पता है यहां मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम नहीं होती हमने देखा था इंटेंसिटी मैक्सिमास की कम होती जाती है तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस रीजन में है तो अगेन इस केस में आप लोगों से यही पूछ रहे हैं मतलब टू लेमडा कैपिटल डी बाई बी अगेन आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्लियर है अगर आप सारी वैल्यूज यहां सब्सिट्यूट कर दोगे डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर एट टू थीटा तो थीटा आपको निकालना है अगर आप अगर आप टू लेमडा कैपिटल डी बाई बी निकालोगे तो आपका ये डिस्टेंस आएगा बट अगर आपको सिर्फ थीटा निकालना है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है तो आप इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दो तो यहां से ये टू थीटा आ जाएगा विच इज नथिंग बट ना बाई बी तो यू हैव टू सॉल्व फॉर टू लेमडा डिवाइडेड बाई बी कैपिटल डी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा बट हमें यहाँ चाहिए एंगल तो आप देख सकते हो तो रेडियंस में निकालना चाहते हो इट विल बी टू थीटा लेमडा और बी की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो दीज आर द दराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो डायफ्रेक्शन में बनते हैं डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वन मोर डिफ्रेक्शन लाइक फ्रोनोफर में सर्कुलर अपर्चर का भी डायफ्रेक्शन डायरेक्ट फॉर्मला हमें पढ़ना है सेंटर पे आप देख रहे हो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो कुछ रिंग्स बन रही है फॉर्मुला डायरेक्टली बताऊंगा इसका डायरेक्टली रेडियस का फॉर्मला वन पॉइंट लेमडा कैपिटल डी बाई बी अब बी क्या है जो आपका यहाँ स्पॉट है जो बेसिकली आपने यहाँ सर्कुलर अपर्चर चूज किया है इसका डायमीटर हो गया बी लेमडा हो गई वेवलेंथ कैपिटल डी हो गया डिस्टेंस स्क्रीन से

कैपिटल डी की जगह आप चूज करोगे टू मीटर और बी की जगह आप चूज करोगे जीरो पॉइंट टू एम एम और वेव आप लोग को दे रखिए सिक्स हंड्रेड इंटू टेन सुधी पावर माइनस नाइन तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जस्ट सब्सिट्यूट एवरीथिंग इन द फॉर्मुला

इसके अलावा क्या आता है में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या फिर आप लोगों से इसका रेसिप्रोकल जिसको पार कहते हैं वो पूछता है डायरेक्ट फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा अगेन तो आप लोगों को फॉर्मुला डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देता हूं इसका मतलब क्या है जैसे यहां दो सोर्सेज हैं S1 और S2 आपने हम लेंस के सामने रखे हैं मान लो इनकी इंटेंसिटी ऐसे आ रही है तो आपको अभी ये अनरिजोल्व नजर आ रहे हैं जब आप इसको देख रहे हो तो ये आपको अनरिजोल्व नजर आ रहा है मतलब ओवरलैपिंग कुछ कुछ नजर आ रही है तो अगर ऐसे आप सोर्सेस को देख रहे हो आप देख रहे हो यहां आपको इन दोनों का पीक थोड़ा सा डिस्टेंस पे नजर आ रहा है तो ये जस्ट रिजोल्व है अगर आप इनको और डिस्टेंस पे करोगे तो देन इट विल बी वेल रिजोल्व तो आपको जो सोर्सेस देख रहे हैं दो जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो फॉर एग्जांपल स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हो अगर वो आपको बिल्कुल चिपके उनके है तो बहुत सारा डिस्टेंस बट वो आपको बहुत चिपके हुए नजर आ रहे हैं तो उनकी पीक्स नजर नहीं आ रही तो आपको लगता है कई बार वो एक स्टार है बट वो बाइंडरी स्टार सिस्टम होता है दो स्टार्स एक साथ होते हैं तो वो रिजोल्व नहीं हो पाते तो हमारे टेलीस्कोप की इतनी एबिलिटी होनी चाहिए

कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे लाई कर रहा है तो दिस इज समथिंग कॉल्ड जस्ट रिजोल्व अब जस्ट रिजोल्व होना स्टार्ट कर रहा है एंड कंप्लीटली रिजोल्व और वेल रिजोल्व का मतलब है आप देख सकते हो जहां दोनों के मिनिमा एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आराम से दोनों की पीक्स में एक वेल बाउंड्री वेल सेपरेशन आप लोगों को नजर आ रहा है ये रेले क्राइटेरिया भी होता है कई बार आप लोगों को ओरली इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है टेलीस्कोप की बात करें टेलीस्कोप के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन करेंगे तो यहां मैंने का लेंस लिया है और आप देख सकते हो, यहां पैटर्न बना रहे हैं अपर्चर लिया है अपर्चर मतलब हो या, तो आप लेंस का या फिर आप कह सकते हो जितना भी उसका एरिया है या फिर जितनी पोर्शन आप, आप यूज कर रहे हो फॉर रिकॉर्डिंग हम कंसिडर कर रहे हैं और लेंस से आप लोगों की स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है दैट इस लाइक अ फोकल क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है अब अगर हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम इससे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो एक डायरेक्ट फॉर्मुला आप लोगों को यहाँ याद रखना है वो डायरेक्ट फॉर्मला है 1.22 बिल्कुल जैसे भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे वैसा ही ये कुछ कुछ फॉर्मला है B. ये डेल्टा ठीटा है दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाता है यहां लेमडा क्या है जो भी आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो वो और जो बी है दैट इज नथिंग बट द एपर्चर इज दर जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए बी इज दी एपर्चर सो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अगर हम रिजोल्विंग पार की बात करें दिस इज द रेसिप्रोकल अगर हम रिजोलोकल हो जाएगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जहां हमने ये निकाला है हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रिजोल्विंग पार तो रिजोल्विंग पार इज नथिंग बट आप वन बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोल सकते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगा ठीक है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दिस इज नथिंग बट रिजोल्विंग बार ठीक है ना सो दिस इज ऑल अबाउट दायरेक्ट फॉर्मुला बेड क्वेश्चन आया मीन में काफी बार तो हम इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन देखो पोलराइजेशन का क्या मतलब है यहाँ हम लोग लाइट uh, को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हैं जहां बोलते हैं लाइट वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फ्लक्चुएट करती हैं मतलब आप कह सकते हैं दे ऑसिलेट और दोनों परपेंडिकुलर uh, डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हैं ये हमने ईएम एम वेव में भी पढ़ा है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ तो यहां से पोलराइजेशन का मतलब है कि हम किसी एक डायरेक्शन में फिक्स कर दें वाइब्रेशन को ठीक है ना जैसे इसको जनरली हम प्लेन पोलराइजेशन भी कहते हैं वैसे टाइप ऑफ पोलराइजेशन भी होते हैं बट मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्लेन पोलराइजेशन पढ़ते हैं और उसी पे उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में आते हैं

अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नहीं फिक्स तो मैग्नेटिक का भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आर थार तो टू अंडरस्टैंड पोलराइजेशन हम सिर्फ एक को पिक कर लेते हैं वी फोगेट अबाउट की मैग्नेटिक फील्ड भी है जस्ट फोकस ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड और वो वाइब्रेट कर रहे हो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन फिक्स नहीं है तो आपको यहां जो सामने डायग्राम दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये है कि कभी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसका ये हो जाता है थोड़ी देर बाद ये हो जाता है कभी ये हो होता है कभी ये होता, होता है मतलब अलग अलग प्लेन में तो सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में हर प्लेन में यू कैन से दैट इक्वल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सो वी कैन से दैट कि ये किसी डायरेक्शन में फिक्स नहीं है इसका प्लेन राइट right? और इसको दिखाने के लिए कभी कभी हम ये भी करते हैं कि हम इस तरीके से दिखा देते हैं इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या तो मतलब दो डायरेक्शन में दिखा देते हैं आ, मतलब इनटू द पेज और पैरेलल टू द पेज या फिर इनटू द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन मतलब दोनों कॉम्पोनेट्स इसके पास हैं मतलब हर डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रही है तो वही दिखाने के लिए इसने ये बाकी के डायग्राम्स बनाए ठीक है तो या जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इंटू द प्लेन और पर्पेंडिकुलर प्लेन दोनों ही है ये दिखाने की यह कोशिश की है मतलब कोई फिक्स प्लेन नहीं है सो so अनपोलराइज को अब हम प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोलराइजर बट अगर मैं ध्यान से देखू पहले आपको डेफिनेशन समझनी होगी प्लेन पोलराइज की द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स इन वन डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में है, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है एंड दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सिर्फ यहां की है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो दिस इज अनपोलराइज तो दोनों में डिफरेंस दिखा मतलब ऑन पेपर्स या फिर पे, जैसे आप कह सकते हो दिखाने के लिए ऑन शीट हाउ टू ड्रॉ दीज कैसे आप समझाओगे तो ये डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है दिस इज अनपोलराइज लाइट अगर किसी प्लेन में है तो वो कुछ ऐसे बना सकते हैं आप प्लेन कहीं भी बना सकते आप भी सर ऐसा है तो इस प्लेन में पोलराइज होगी ऐसा है तो इस प्लेन में होगी अगर सारे कॉम्पोनेट्स बना दिए तो सारे प्लेन हो गए इस पर ठीक है इन टू द प्लेन के लिए तो मैंने अभी आपको बताया आप डॉट करके बना सकते हो राइट ओके सो so, uh, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां हम लोगों को पोलराइजर के बारे में बताया जाएगा वॉट इज पोलराइजर पोलराइजर सिंपली जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है इसका काम है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना है एक पर्टिकुलर प्लेन में तो आप देख सकते हो यहां मैंने अनपोलराइज लाइट को कुछ अलग तरीके से बनाया है मैंने आपको बताया था आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो इसने क्या किया इसने ये दिखा दिया ये कॉम्पोनेंट कुछ इन प्लेन में हो गया कुछ पर्पेंडिकुलर प्लेन हो गया मतलब वो रोटेट करता जा रहा है इट्स नॉट फिक्स तो हर प्लेन में उसका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यहां वी हैव अ पोलराइजर तो पोलराइजर से जब ये लाइट पास होगी तो इसमें एक प्लेन जो परपेंडिकुलर है यहां इस तरीके से आपने इसका एक्सिस बनाई है कि यहां से जो लाइट निकलेगी वो आपकी क्रॉस कर सकती है और बाकी सारे कंपोनेंट्स गेट्स एब्सॉर्ब तो इतनी लाइट यहां से निकल जाती है और एन एवरेज मैं कह सकता हूं हर डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं इसको दो प्लेन्स में बांट देता हूं हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इंटू द प्लेन एंड हाफ ऑफ द इंटेंसिटी पर पेंडिकुलर टू द प्लेन सो यहां से इसने एक प्लेन को तो एब्सार्व कर लिया यू कैन से दैट जो परपेंडिकुलर टू तो द प्लेन वाले सारे कॉम्पोनेट्स एब्जॉर्व कर लिए तो इन टू द प्लेन जो आप यहाँ देख सकते हो ये सारे कॉम्पोनेट्स पास आउट हो जाएंगे तो दिस विल बी द प्लेन पोलराइज लाइट और कभी इंटेंसिटी की बात करें अगर यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है तो सिर्फ आई नॉट बाई टू इंटेंसिटी यहां से पास होती है Amplitude की बात करें तो तो में अगर यहां A है यहाँ ए बाई रूट टू एम्प्लीटूड पास आउट होता है द ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग दी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू वन डायरेक्शन इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये यहां दिखाया भी गया डेफिनेशन में राइट right? लॉ ऑफ मैलस क्या है वॉट इज लॉ ऑफ मैलस लॉ ऑफ मैलस ने इंटेंसिटी कैलकुलेशन करने के लिए ही बताया था कि अगर आपके पास कोई पोलराइजर है उससे लाइट पास कर रही है तो कितनी इंटेंसिटी क्रॉस करेगी मतलब कितनी इंटेंसिटी उसको क्लियर कर पाएगी बट बी केयरफुल वेन यू यूज अ मैलस लॉ इसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो भी पोलराइज है और उसके बाद हम एक दूसरा पोलराइजर रख रहे हैं अब दोबारा जब हम पोलराइजर रख रहे हैं जनरली वी कॉल देम एस एनालाइजर होता दोनों सेम ही चीज है डिफरेंस नहीं होता दोनों का काम है कि कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को पास आउट करना आप जो उसका प्लेन होता है उसी को वो पास आउट करती है उसका एक फिक्स डायरेक्शन होती है एक फिक्स प्लेन होता है उसी प्लेन की लाइट को पास करती है बाकी सब कुछ वो एब्जॉर्व करती है राइट तो यहां भी ऐसा ही है यहाँ आपके पास एक पोलराइज लाइट है आपने इसको इंसिडेंट किया और आपके पास यहाँ पोलराइजर है और यू कैन सी दैट एनालाइजर है उसकी एक्सिस ट्रांसमिशन एक्सिस सिर्फ इतनी ट्रांसमिशन करेगा तो आप देख सकते हो जो प्लेन है उससे ट्रांसमिशन एक्सेस का थीटा एंगल है तो यहां से आप इतना देख सकते हो कि यहां से जो इंटेंसिटी uh, पास करती है वो होती है आईज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर थीटा ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो एम्पलीट्यूड का कॉस थीटा कंपोनेंट पास करेगी इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड तो टेस्ट फ्राइ आप देख सकते हो यहां जो कंपोनेंट है वहां कॉस स्क्वायर थीटा लग रहा है इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा बट इतना याद रखना ये जो रे थी इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी और आई नॉट इंटेंसिटी मैंने पोलराइज लाइट के लिए है. अनपोलराइज लाइट को डालोगे तो कोई भी ट्रांसमिशन एक्सेस लो मतलब अगर आप इसी ट्रांसमिशन एक्सेस पे अनपोलराइज लाइट डालते तो क्या होता अनपोलराइज लाइट का मतलब है उसमें हर डायरेक्शन में पोलराइजेशन है तो सिर्फ ये वाली रे पास करती ये वाली लाइट uh, पास करती और अगर इसकी इंटेंसिटी इसमें आई नॉट होती से आई नॉट डैश लिख देता हूं तो यहां से आता आई नोट डैश बाई टू मतलब अनपोलराइज लाइट अगर आप पोलराइजर के आगे रख रहे हो हमेशा हाफ इंटेंसिटी पास करेगी बट अगर पोलराइज लाइट को दोबारा पोलराइजर पे एनालाइजर पे डाल रहे हो तो आपको एंगल देखना पड़ेगा ट्रांसमिशन एक्सिस पे और जिस डायरेक्शन में वो पोलराइज है उसके बीच का क्या है और फिर मैलस लो लगता है आई जीकल्स टू आई नॉट कॉस्क सो बी केयरफुल वाई यूजिंग द मैलस लो तो मैलस लो को याद रखना ठीक है जैसे कि उसने यहां दिखा, दिखा दिया ऑलरेडी एक करके दिखाया अनपोलराइज लाइट थी फिर पोलराइजर पे डाला इजर पीवर नाम दिया तो आपने देखा कुछ इस तरीके की रे पास कर गई ठीक है सो so आप देख सकते हो यहां से आई नॉट बाई टू इंटेंसिटी हो गई डायरेक्टली हाफ हो गई अब ट्रांसमिशन एक्सेस बिल्कुल पैरल है तो ये कुछ भी स्टॉप नहीं करेगी एंटायर लाइट को क्या कर देगी पास कर देगी ठीक है ना तो जो आपकी एक्सेस से निकला है वो सारी की सारी लाइट निकल जाएगी तो ये भी आई नॉट बाई टू हो गई बट अगर ये किसी एक्सेस पे होता अगर आपकी ट्रांसमिशन एक्सेस ऐसे होती है एट एन एंगल थीटा तो फिर यहां क्या निकलता आपका फाइनल आई नॉट बाई टू स स्क्वायर थीटा बट इस केस में क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सेस पैरेलल है थीटा जीरो जो निकल रही है वो कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री मतलब आई नोट बाई टू ही निकल रहा है बाहर ठीक है सो बी केयरफुल वाई यूजिंग मैंने पहले भी बताया था लो आप इसको बड़े ध्यान से करना जैसे कि अब सेकंड केस में उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपकी अनपोलराइज लाइट आई नॉट है तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी पोलराइजर से निकलेगी फिर एनालाइजर आ गया या पोलराइजर टू आ गया और इसने परफेक्टली परपेंडिकुलर ले लिया अब इससे तो कुछ भी पास नहीं करेगा ठीक है तो क्योंकि कोई क्योंकि इस केस में आप कह सकते हो ठीटा आपका नाइनटी डिग्री हो गया तो डेफिनेटली जो आपकी इंटेंसिटी होगी दैट विल बी जीरो यहां से कोई इंटेंसिटी पास नहीं कर सकती ठीक है

और वो है रिफ्लेक्शन फिनोमिना आप देख सकते हो यहां हमने एक रे को इंसिडेंट किया जैसे सन की रेज आ रही है वो भी अनपोलराइज होती है वो आई यहां अनपोलराइज लाइट को दिखाने के लिए उसने किए और ये दे दिया मतलब इन टू द प्लेन और पेंडिकुलर टू द प्लेन कॉम्पोनेंट्स में बांट दी आपकी पूरी अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अब अगर आप यहां से देख रहे हो यहां से रे इंसिडेंट होगी कुछ पोर्शन आपका क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है कुछ पोर्शन क्या होता है रिफ्रैक्ट तो कुछ रिफ्लेक्शन कुछ रिफ्रैक्शन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन होता होगा वो बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देख रहे हैं सो so, एक कंडीशन होती है एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आता है जिसको आप एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हो ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हो ऐसे केस में आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड है इनके बीच में जो एंगल बनता है नाइन्टी डिग्री बनता है ठीक है ना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में नाइन डिग्री एंगल बनता है दिस इज अ कंडीशन ऐसे केस में जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कंप्लीटली होती है देखो ध्यान से समझना इसको याद रखना जब हमारी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इंसिडेंस एंगल ब्रूस्टर एंगल कहलाएगा जिसको आईपी कहोगे या पोलराइज्ड एंगल कहलाएगा उस केस में हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट right

और यहां से आप कंडीशन भी निकाल सकते हो डेट टेन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है, sin sin of of ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट आप यहां से देख सकते हो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा मतलब आई अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो आई कितना आ जाएगा आपका इट विल बी नाइनटी माइनस आई क्योंकि आपको यहां दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है ठीक है ना सिंस दिस एंगल इज आईपी दिस एंगल दिस 90 माइनस आईपी तो इन दोनों का सम आपका जो हो जाएगा आप देख सकते हो यहां से आई को नाइनटी माइनस आईपी लिख सकते हो तो यहां से बन जाएगा साइन आईपी डिवाइडेड बाय कोस 90 माइनस आईपी तो यहां से बन जाएगा साइन कोस आईपी तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा टेन आई ठीक है सो so, आप देख सकते हो केयरफुल कैलकुलेशन है आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में भी आप चाहो तो इसको जल्दी से डिराइव भी कर सकते हो सिंस दिस एंगल इज आई पी दिस एंगल इज 90 माइनस आई ये वाला एंगल हो गया देन दिस एंगल इज आई तो दिस एंगल इज 90 माइनस आई तो ये दिख रहा है आप लोगों को सामने ठीक है सो क्लियरली ये आप याद कर सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए सो दैट वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी पोर्सन ऑफ विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन इन क्वेश्चन के थ्रू हम आके डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे So, question up is a student: an unpolarized light beam is incident on the polarizer of polarization experiment. And the intensity of light beam coming out of the analyzer is 100 lumen. Okay. Now, if the analyzer is rotated about the horizontal axis, which is in the direction of the light by 30 degrees in clockwise direction, the intensity of emerging light will be dash lumen. कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आप लोगों को यह दे रखा है कि एक अनपोलराइज लाइट है हमारे पास और अगर मैं अनपोलराइज लाइट को मैं डाल रहा हूं किसी पोलराइजर पे तो अनपोलराइज लाइट लेटस से कुछ इस तरीके से है तो मैंने इसको किसी पोलराइजर पे डाला और उसके बाद पोलराइजर पी इसको नाम दे देता हूँ पी वन और यहाँ से कुछ निकल रही है हमारी इंटेंसिटी लेटस से कुछ इस तरीके से हमारी इंटेंसिटी निकल रही है और देन हमें जो ये इंटेंसिटी मिल रही है ठीक है ना हम लोगों को जो इंटेंसिटी मिल रही है दूसरे वाले पोलराइजर से या जिसको आप एनालाइजर भी कहते हो यहां से बाहर कुछ इंटेंसिटी मिल रही है फॉर इस तरीके से अगर हम देखें हंड्रेड ल्यूमन ये हमें मिल रही है हंड्रेड ल्यूमन अब वो कह रहे हैं आप लोगों को अगर हम इसको थर्टी डिग्री घुमाएं बट कैसे घुमाएं अलोंग द डायरेक्शन आप देख सकते हो ये डायरेक्शन है तो अगर आपका इस तरीके से आपका पोलराइजर है इसको 30 डिग्री आपको ऐसे या ऐसे नहीं घुमाना है आपको इस तरीके से 30 डिग्री घुमाना है तो मतलब कि आपको इस तरीके से 30 डिग्री का टिल्ट देना है है ना मतलब इस डायरेक्शन में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको फर्दर 30 डिग्री कर रहे हो कहने का मतलब है जो भी इंटेंसिटी आ रही थी उसको आप 30 डिग्री और कर रहे हो मतलब यहां से 30 डिग्री आप और घुमा रहे हो सो आप कह सकते हो जो भी इंटेंसिटी आपकी 100 आ रही थी उसका भी कॉम्पोनेंट आपको लेना पड़ेगा बट यहां कॉस स्क्वायर अगेन मैंने आपको बताया था आएगा तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो 100 रूट थ्री बाई टू तो यहां से आ जाएगा थ्री बाई फोर तो इट विलूम इन आर केसाइव लूमन हमारा आंसर होगा तो आप देख सकते हो इसका आंसर सिंपल है दिखाऊज क्वेश्चन नंबर वन बिकॉज अब हम लोग पी वाई क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो दिस इज अ पी वाई क्यू सेगमेंट यहां मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आया अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहां दे रखा है dt टी इज इक्वल टू डी नॉट ए नॉट साइन ओमेगा दिस इज दलिट विस्टेंस आप देख सकते हो इट इज ऑसिलेटिंग है ना यहां आप देख सकते हो इसका जो d की वैल्यू होगी इसकी अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे इट विल बी डी नॉट माइनस ए नॉट क्योंकि साइन ओ मेगाटी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है माइनस वन तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे d मैक्स पूछूं तो वो कितना हो जाएगा यहां से डी नॉट प्लस ए नॉट

डी मिनिमम और अगर आपको बीटा मिनिमम चाहिए तो आपको डालना पड़ेगा लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी मैक्सिमम मतलब कि यहां से आएगा लेमडा डी डी नॉट माइनस ए नॉट और यहां से आ जाएगा लेमडा डी डी नॉट प्लस ए नॉट आपको इसका डिफरेंस निकालना है आपको बीटा मैक्स और बीटा मिनिमम के बीच का सेपरेशन निकालना है तो आप इसको सॉल्व करोगे लेमडा डी आपका कॉमन आ जाएगा और जो एलसीएम आएगा वो आएगा डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर और ऊपर से आपको जो मिलेगा दैट विल बी डी नॉट प्लस ए नॉट माइनस डी नॉट माइनस ए नॉट सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट यहां से आपको जो डेल्टा बीटा जो भी आप यहां निकाल रहे हो ये आपको मिल जाएगा टू टाइम्स लेमडा कैपिटल डी ए नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट स्क्वायर ए नोट स्क्वायर सिंपल क्वेश्चन था थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ा सा दिमाग लगाना था बट अच्छा क्वेश्चन था तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी यू कैन सी यू कैन वेरीफाई योर ऑन एज वेल तो दिस वाज़ दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जई मीन ट्वेंटी का नाउ दिस क्वेश्चन इज कंपेटिवलीजी ये ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था क्या कह रहा है वाई एक्सपेरिमेंट अगेन स्लिट आर सेपरेटेड बाय अ कैप ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम एम तो आप कह सकते हो जो स्लिट्स के बीच का गैप है वो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है मतलब स्मॉल डी की वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज आप लोगों को निकालना है तो बहुत सिंपल है आपको फॉर्मुला पता है आपको फॉर्मूला पता है अगर मैं लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी करूंगा तो यहां फर्स्ट ब्राइट आता है दिस इज अशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट और थर्ड ब्राइट की जो लोकेशन होगी दैट विल बी टू थर्ड ब्राइट की हो जाएगी थ्री so, देख सकते हो यहां से मतलब so, जगह आप डालोगे फाइव एट नाइन जीरो इंटू टेन रिश दी पॉवर माइनस टेन कैपिटल डी की जगह आप डालोगे जीरो पॉइंट फाइव ये क्वेश्चन में दे रखा है स्क्रीन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी एज इट इज हम डाल देंगे जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन रिस्ट पावर माइनस थ्री So, यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो जीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट फाइव कट जाएगा 589 2 करोगे, तो आप लोगों का कुछ वन वन जो भी आपके ऑप्शन में आ रहा था आप ऑप्शन से मिला सकते हो वन वन सेवन एट है ना मतलब आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं वन वन सेवन एट इंटेन पावर माइनस नाइन डिवाइड बाई टेन रिस्ट पावर माइनस थी तो मतलब टेन रिस्ट पावर माइनस सिक्स आएगा सो so डेफिनेटली आप देख सकते हो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा अगेन स्मॉल कैलकुलेशन ज्यादा कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व है सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं पावर में जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है तो बस इतना ही हम गलती कर सकते थे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री जय ट्वेंटी ट्वेंटी में आया है अगेन वाई टी से क्वेश्चन मैंने आपको कहा था वाई सबसे इंपॉर्टेंट है उन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसके कराए थे वाई एक्सपेरिमेंट है पूरा सिस्टम आपने वाटर के अंदर डिप कर लिया भाई देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया है आपको पहले पता था एक्सपेरिमेंट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था तो बीटा का सिंपली कितना आ जाता था लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी अब बीटा डैश में बस लेमडा डैश हो जाएगा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और आपको पता है लेमडा डैश इज नथिंग बट लेमडा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका मतलब लेमडा आपका कम हो रहा है तो आप बी डैश को भी लिख सकते हो बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सिंपल

प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोबारा एक्सपेरिमेंट से दे रखा है आपको बोल रहा है यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ वेवले ग्लास प्लेट म्यूजिकल टू ऑफ थिकनेस एक्स इज इन द पाथ ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स द इंटेंसिटी एट द पोजिशन वेयर सेंट्रल मैक्सिम अट प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी देखो इससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट पढ़ा था हमें पता है ग्लास लैप अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है जब भी हम ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने पढ़ा था एक पार्ट डिफरेंस आता है अगर मैं इसकी थिकनेस को ले लेता हूँ टी तो अगर मैं इसकी थिकनेस को कंसिडर कर लेता हूं टी और थिकनेस को इसने दे रखा है कितना एक्स अभी हम इसको कर देंगे इस केस में हमने पढ़ा था जो सेंट्रल ब्राइट होता है वहां जो डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है हर हर फ्रिंज में जो शिफ्ट आता है या फिर जो पाथ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है वो हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस कितना होगा पहले यहां जीरो था अब कितना आ जाएगा हमने पढ़ा था दिस इज म्यू माइनस वन इंटू टी जिसको आप लिख सकते हो म्यू माइनस वन इंटू एक्स लेमडा पर उसने बोला कि यहां ऐसा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ तो जहां सेंट्रल ब्राइट बन रही थी वो अगेन ब्राइट ही बन रही तो इसका मतलब आप तो है, to, है आप बोलोगे सर ये तो सिंपल टू यहां जो पार्ट डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा आप लेमडा ले सकते हो टू ले कुछ भी ले सकते हो तो मैंने एन लेमडा लिख दिया वेर एन शुड बी एन इंटीचर सो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ लैमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एन डिवाइडेड बाई न और म्यू माइनस वन आ जाएगा जीरो तो पॉइंट फाइव यहाँ से आ जाएगा टू एन अब ऑप्शंस को मैच करो भाई यहाँ से जो आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू वन टू थ्री फोर हो सकती है तो आप इनकी वैल्यू अगर वन डालोगे तो टू आंसर आएगा तो इसके अलावा बाकी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी सो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बट हम लोगों ने पढ़ा है मैंने इस पर बहुत अच्छे से आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ाई है और आपको इसके क्वेश्चन भी कराए हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग कर सकते हैं About next question, question एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसमें बोल रहा है इन वाइडीरिमेंट फिफ्टीन फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन द लाइट ऑफ वेवलैन फाइव हंड्रेड नैनोमीटर ऑब्जर्व ऑन द सेम सेक्शन ऑफ द स्क्रीन वेन अनादर लाइट सोर्स ऑफ वेवलैन लेमडाइज देन दैल्यू ऑफ लेमडा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने डाइक्रोमेटिक वाला केस पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है मतलब जितने पोर्शन में फिफ्टीन वेव बन रही है उतने पोर्शन में दस वेव बन मतलब फिफ्टीन मैक्सिमाज या फिफ्टीन फ्रिजेस आ रहे हैं उतने में टेन फ्रिंजेस आएंगे सो so यहां से हम वही कर सकते हैं वाई वन इजिकल्स टू वाई टू तो जहां फिफ्टीन फ्रिंजेस आ रही थी तो फिफ्टीन लेमडा वन कैपिटल डी बाई स्मोल डी और दूसरी जगह हम लिख सकते हैं एन टाइम्स मतलब वहां जो फ्रिज बन रही है वो टेन बन रही है इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल कैपिटल स्मॉल कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा सो so आप देख सकते हो यहां से लेमडा टू आ जाएगा इज डिवाइडेड अगर आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट सेवन फिफ्टी तो सेवन फिफ्टी एनोमीटर विल बी दी आंसर सो दीज वो ऑल द क्वेश्चन जो आपके जेई मेन्स में आए हैं मैंने एक दो क्वेश्चन एडवांस के भी डिस्कस किए थे तो मोस्टली जो हमने यहाँ कंसेप्ट कवर किए हैं इनसे क्वेश्चंस बार बार वेव ऑप्टिक्स से आ रहे हैं तो आई होप जितना भी मैंने सेक्शन आप लोगों के साथ कवर किया है इससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी सो इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग जो आपको अच्छे से समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं हमने सेशन में आ, उन इंपॉर्टेंस को ज्यादा टाइम दिया है मतलब ज़्यादा उन, उनको उनको को ज्यादा टाइम दिया उनको मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जो आने की प्रोबेबिलिटी जेई मेंस में ज्यादा है सो so, मैंने बिल्कुल टारगेट करके चला है कि जेई मेंस एटलीस्ट आप इससे बहुत इजीली कर सके वन शॉर्ट सेशन है आई नो इसमें काफी चीजें आप सीख सकते हो और फॉर्मुलाज का इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फॉर्मूलाज पे आ सकते हैं अब जो कई टॉपिक्स हैं जो बहुत कम आए हैं मतलब या फिर जिनसे अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं उन पर मैंने कम इम्फेसिस किया बट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिजॉल्विंग पार जरूर करके जाना मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूरा सेशन देख रहे हो तो आपने देखा होगा रिजॉल्विंग पार का डायरेक्ट फॉर्मला बेस्ड क्वेश्चन आता है आप एक बार थिन इंटरफेरेंस पैटर्न पेरें भी पढ़ सकते हो उससे क्वेश्चन कम आते हैं बट आ सकता है उससे भी बट डेफिनेटली वाई एक्सपेरिमेंट इसको अच्छे से पढ़ के जाना और मैंने सबसे ज्यादा टाइम भी अपने सेशन में इसी टॉपिक पर दिया है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड थोड़े दिनों के बाद थोड़े टाइम बाद में आप लोगों से फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं अगेन वन शॉर्ट डिस्कस करूंगा एंड वेरी सुन आई विल अपडेट यू की अब नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करने वाला है इवन इन द कमेंट सेक्शन यू कैन कमेंट की नेक्स्ट टॉपिक हमें सर ये रिक्वायर्ड है आप सबसे पहले इसका सेशन हम लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाए तो so डेफिनेटली uh, आप अच्छे से मेहनत करो प्रैक्टिस करो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर प्रिपरेशन बाय बायरी वन